हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एज यू हैव। मेरे बच्चों, फिर से आपका हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4, दैट इज एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमल की शुरुआत हो गई। हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में, मतलब फाइलम में, कौन कौन से बेसिस में क्लासीफाई करते हैं, वो सब डिटेल में हमने स्टडी किया। ओके, और आज बारी है जो पहला ग्रुप जो है एनिमल किंगडम का, द किंगडम, यू कैन सी सब किंगडम आपका नॉन कॉर्डेट, इसको हम लोग देखेंगे। इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग आज समराइज करने वाले एक साथ विद द हेल्प ऑफ व्हाट डिफरेंट पॉइंट्स। तो आज हम लोग नॉन कॉर्डेटा के जितने भी फाइलम में आए, तो गाना क्या है बच्चों? गाना आपको मालूम है, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लैटीहेलमिंथस एशियोहेलमिंथस एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा। तो इन 10 फाइला को आज हम लोग क्या है, कंपेयर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, तो अब हम लोग जाते हैं आपका नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा जो ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप बोल सकते हैं, क्योंकि यू कैन सी 95% एनिमल इसी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए उसको कन्वीनियंटली 10 फाइलम में या 10 फाइला में हम लोगों ने क्या किया, तो फाइला और फाइला में फर्क है। फाइला अगर बोलेंगे, फाइला वर्ड इज द प्लूरल, इज प्लूरल टर्म, प्लूरल टर्म, और फाइलम इज ए सिंगुलर टर्म, इज अ सिंगुलर टर्म। ओके, सिंगल। चलो, तो नॉन कॉर्डेटा के 10 फाइलों को एक एक करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग क्या है, कंपैरिजन करते हैं, अलग अलग फाइला जो ग्रुप है उसको कंपेयर करते हैं। तो कौन से फाइलम है? पॉरीफेरा, फिर आपका है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। और अगर ध्यान से देख रहे हो तो इसमें मैंने क्या किया है कि जो वर्ड है उसको अलग कोड कलर से क्या हमने स्प्लिट किया, क्योंकि एवरी वर्ड हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग। तो मीनिंग को भी अगर आपने पकड़ लिया तो यू विल बी एबल टू, यू कैन सी व्हाट, अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म, टर्म का मीनिंग आपको समझेगा। ओके, तो इसको देखो, सॉन्ग फिर से बताते हैं। ये 10 पहले फाइला जो है ये आपके नॉन कॉर्डेटा ग्रुप के हैं, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लैटीहेलमिंथस एशियोहेलमिंथ एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा। तो इस सॉन्ग को आप एक इनसे गुनगुनाओगे तो आपको बाइट हो जाएगा। ओके, नाउ अभी देखो क्या क्या एस्पेक्ट है। तो अभी सबसे पहले देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से हर ग्रुप को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ओके, अलग अलग कैरेक्टर के मीनिंग क्या है, पॉरीफेरा का मीनिंग क्या है, पोर बियरर, तो कलर से लो, पोरी मतलब पोर, फेरा मतलब बियरर्स, यानी कि इन एनिमल्स में पोर्स होते हैं। ओके, फिर आपका, फिर सिलेंट्रेटा में सीलो, सील का मतलब कैविटी होता है, एंटर, हाँ उधर ई नहीं, इधर ई होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे ई है, हाँ थर्ड पार्ट में यहाँ पे ई लिखना भूल गया हो भाऊ, हाँ यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ पे ई रह गया है। यहाँ पे ई चाहिए, ओके, बस ये छोटा सा माइनर मिस्टेक है। एंटर, देखो एंटर, एंटेरॉन साइंटिफिक टर्म फॉर इंटेस्टाइन, एंटेरॉन, क्योंकि एंटर क्यों, इसी में आपका फूड जब एंटर होता है तो डाइजेस्ट होता है। ओके, तो कैविटी गट, उसी को गट कहते हैं, और अटा का मतलब ग्रुप होता है, यानी कि ऐसा एनिमल ग्रुप जिसमें सबसे पहले डाइजेस्टिव कैविटी बना। टीनो, टीनो का मतलब थ्रेड होता है, तो वो थ्रेड होते हैं सीलिया, इनमें सीलिया होता है, उन सीलिया से वो मूव करते हैं। फोरा मतलब बियरस, प्लैटी, प्लैटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथस मतलब वर्म, एस्क का मतलब होता है सैक होता है, कट सेक्शन में वो आपको राउंड दिखेगा इसके लिए राउंड वर्म, एन्ना, एन्ना का मतलब होता है रिंग, बियरिंग वर्म्स, तो ये भी वर्म जैसे हैं जिनमें ऐसा लगता है कि बॉडी रिंग्स का बना हुआ है। ओके, फिर आर्थ्रो, यू नो आर्थराइटिस ज्वाइंट, ओके आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड, तो ज्वाइंटेड क्या, तो जॉइंटेड आपका, यू कैन सी लिम्स या जॉइंटेड बॉडी पार्ट्स,
तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोड़ा मतलब लेग्स, पोड़ा पोड़ा साउथ इंडियन पोड़ा पोड़ा, ओके। देन मोलुस्का, मोलू मोलू बॉडी, सॉफ्ट बॉडी, दीज एनिमल्स आर वेरी सॉफ्ट, क्योंकि जनरली इनको बॉडी के अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता है, और इसके लिए बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक्सटर्नल स्केलेटन की जरूरत पड़ती है इनको, ओके अंडरस्टूड। तो बेसिकली बॉडी बहुत मस्कुलर होता है, ओके इसके लिए सॉफ्ट बॉडी एनिमल। फिर इकाइनो, स्पाइनी, इनके बॉडी के सरफेस पे स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं विच कैन बी वेरी लॉन्ग ऑल्सो, जैसे सी एंचर उस पर बैठोगे दुखेगा आपको, ओके अंडरस्टूड। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। और हेमीकॉर्डेटा, ये जो ग्रुप है ये पहले कॉर्डेटा में इसको इंक्लूड किया गया था, ये समझ के कि इसके पास नोटोकॉर्ड पहली बार डेवलप हुआ, बाद में मालूम पड़ा कि वो नोटोकॉर्ड है ही नहीं, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन नोटोकॉर्ड ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, इसको बोला तू वापस चले जा तुम्हारे ग्रुप में, तू प्रॉपर कॉर्डेटा को बिलोंग नहीं करता है, तो इसके लिए उसको, लेकिन हाँ एक स्ट्रक्चर जो है उसकी वजह से इसको हाँ हेमीकॉर्डेटा कहते हैं फिर, क्योंकि इसके पास गिल स्लिट्स होता है, क्योंकि बाकी किसी भी एनिमल में गिल स्लिट नहीं है, हेमीकॉर्डेटा में गिल स्लिट्स होता है, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं गिल स्लिट्स, तो गिल स्लिट्स की वजह से दिस एनिमल इज कॉल्ड पार्शियली कॉर्डेट, पार्शियली हाफ मतलब हेमी मतलब आधा, आधा कॉर्डेट का गुण है इसमें, इसके मतलब ये जो एनिमल है हेमीकॉर्डेटा, इसी एनिमल से कॉर्डेटा ग्रुप क्या हुआ डेवलप हुआ, तो इट इज ए ट्रांजिशन बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड व्हाट कॉर्डेटा ग्रुप, ओके। तो फिर देखो दूसरे नाम के अल्टरनेट नाम क्या है, पोरीफेरा को स्पॉन्जेस कहते हैं, सिलेंट्रेटा को निडारिया, उसी को जेली फिशेस भी कहते हैं, जेली फिशेस भी कहते हैं। फिर आपका स्टीनोफोरा को कॉम्ब जेली, कॉम्ब क्यों, यही सिलिया की वजह से ऐसा लगता है कि उनमें बहुत सारे यू कैन सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, वेरी इंटरेस्टिंग। उसको सी वॉलनट, वॉलनट के शेप जैसा होता है, अखरोट के जैसा शेप होता है, ग्लोबुलर। देन फ्लैटी एलिमेंथस, फ्लैट वर्म, एस्केलमेंथस को नेमैट, नेमैट का मतलब होता है थ्रेड, उसको थ्रेड वर्म कहते हैं, थ्रेड वर्म कहते हैं, नहीं तो उनको राउंड वर्म भी कहते हैं, जनरली उनको राउंड वर्म भी कहते हैं, थ्रेड बिकॉज ऑफ देयर यू कैन सी बॉडी लेंथ, ओके लंबा एकदम ट्यूब जैसा होता है, पतला ट्यूब जैसा होता है राउंड, इसके लिए जब इस वर्म को कट करोगे तो आपको एक सर्कल जैसा दिखेगा, ओके। फिर एनिडिया को सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं, या रिंग्ड वर्म भी कहते हैं, रिंग्ड, रिंग्ड वर्म्स भी कहते हैं, रिंग्ड वर्म, रिंग वर्म नहीं, देखो रिंग वर्म इज ए इन्फेक्शन ऑफ फंगस, रिंग्ड वर्म कहते हैं। आर्थ्रोपोडा इज द एनिमल विद जॉइंटेड लेग्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल मोलुस्का, स्पाइनी बॉडीड एनिमल हो गया आपका इंगलोडर्मेटा, और एकॉन वर्म्स, एकॉन एक स्पेशल उनका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो एक स्पेशल फ्रूट की तरह होता है जिसको एकॉन कहते हैं, लाइक दिस, ये बाकी का पार्ट, इसके लिए उसको एकॉन वर्म्स कहते हैं, ओके। तो दीज आर द अल्टरनेट टर्म्स, देखो इस पे आपको मैजो कॉलम आ सकता है बच्चों, ओके अंडरस्टूड, या आपको ब्लैंक आ सकता है, मतलब सब वो टेबल आ गया ये ब्लैंक है तो आपको उसको फिल करना है बाय फाइंडिंग द रिलेशनशिप, ओके। चलो एग्जांपल, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, तो पोरीफेरा का एग्जांपल है साइकॉन, स्पॉन्जिला, फिर यहाँ पे हाइड्रा, ऑरेला, टीनोप्लाना, प्लेनेरिया, टेपवर्म, तो ये एग्जांपल्स आपको दिमाग में रखने हैं, दे आर वेरी स्टैंडर्ड एंड यू कैन सी मोस्ट कॉमन एग्जांपल। तो इनके स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये एग्जांपल इसके लिए दिया क्योंकि जब हम लोग पोरीफेरा बाकी जितने भी एनिमल ग्रुप को हम लोग स्टडी करेंगे तो इन्हीं एग्जांपल के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके फीचर्स को स्टडी करने वाले, ओके। सो तो पोरीफेरा में आता है साइकॉन, स्पॉन्जिला, ओके स्पॉन्जिला स्पॉन्जी, क्योंकि ये जो स्पॉन्जेस है, ये स्पॉन्जेस शुरुआत में, अभी तो हमारे पास स्क्रबर आ गया, हमारे पास अभी फोम है हमारे पास, है ना, तो पहले जो फोम वगैरह नहीं होते थे तो बॉडी को क्लीन करने के लिए इन्हीं स्पंजेस का, स्पंज जो बोलते हैं स्पंज, पहले पोरीफेरा को यूज करते हैं, कुछ कुछ जो पोरीफेरा था उनका बॉडी एकदम स्पंजी होता है उसको यूज करते हैं, फिर इंसुलेटर के लिए काम में आते हैं, ओके अंडरस्टूड, अभी भी यूज किया जाता है। इंसुलेटर में हाइड्रा है तो आपको मालूम है ये पानी फ्रेश वाटर में पाया जाता है, आपने बडिंग सुना होगा, है ना, रिप्रोडक्शन में, एनिमल रिप्रोडक्शन में जो बडिंग का एग्जाम्पल देते हैं, हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ऑरेलिया क्योंकि वो रात को चमकता है, ओके बायोल्यूमिनेसेंस। फिर टीनोफोरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उसका कि ये सारे के सारे एनिमल जो इस ग्रुप में है वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ओके। प्लैटियल में तो आपका प्लेनरी अभी आपने पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में आपके रीजनरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल प्लेनेरिया से दिया जाता है, ओके। फिर एस्केलमेंथस में एस्कैरिस है जिससे एक बीमारी होती है एस्कैरियसिस, है ना, पेट में बोलते हैं कीड़े हो गए, यानी बच्चों को कीड़े होने का चांस ज्यादा होता है, वो एस्कैरिस है। फिर एनिड का परफेक्ट एग्जांपल है अर्थवर्म, और एक पैरासाइटिक वर्म है लीच, ओके जो कहते हैं उसको, ओके जो खून चूसता है। फिर आर्थ्रोपोडा पे तो सबसे बड़ा ग्रुप है, 60% एनिमल्स जो है वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप को बिलोंग करता है, उसमें भी 60% एनिमल इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट है, फिर क्रैब, स्पाइडर, अब बोलोगे सर स्पाइडर क्या है, स्पाइडर इंसेक्ट के जैसा है लेकिन वो
क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो एरेक्निडा ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, फिर मोलस्का में आपका है पाइला, तो ज्यादा करके एनिमल में देखो शेल्स होता है, फिर ऑक्टोपस को शेल्स नहीं होता है। सबसे फ्लेक्सिबल एनिमल अगर आपको मालूम है ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस इतना फ्लेक्सिबल होता है वो एक ऐसे होल से पास हो सकता है जिस जो उसके आंख के बराबर होगा, यानी कि अगर कोई होल ऐसा है जो ऑक्टोपस के आंख के साइज का है उससे पूरा का पूरा ऑक्टोपस पास हो सकता है, इतना फ्लेक्सिबल बॉडी है उसका। ओके, तो स्नेल तो आपको मालूम है, इकानोडर्मा आपका स्टारफिश है, फिर सी एनेमोन, फिर हेमिकोडेटा में है बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, ये एग्जांपल्स। ओके, चलो अभी बाकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फटाफट देखते हैं। ओके, तो बॉडी प्लान की अगर बात करेंगे तो पॉलीफेरा के पास देखो सेल एग्रीगेट, तो अभी इसके लिए जो शुरुआत का पहला सेशन हमने लिया था उसमें देखो बॉडी के सारे जो क्राइटेरिया को मैंने डिटेल में इसलिए बताया ताकि अभी वो क्राइटेरिया का मीनिंग आपको मालूम नहीं चाहिए। ओके, पिक्चर भी बनाना है आपका। तो पॉलीफेरा के पास सेल एग्रीगेट है, सिलेंट्रेटा के पास क्या है ब्लाइंड सैक है, टीनोफोरा भी ब्लाइंड सैक मतलब सिंगल यू कैन सी व्हाट बैग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। फिर बाकी के जितने भी एनिमल्स है एस्केलमिंथस के बाद जितने भी एनिमल्स है उनके पास है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, वेरी सिंपल इजंट इट। तो पहला एनिमल ग्रुप उसके पास सेल एग्रीगेट, फिर आपका सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलमिंथस के पास ब्लाइंड सैक है, बाकी जितने भी एनिमल्स है अप टू आपका मैमेलिया तक उन सबके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ओके, फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ओके तो वो कैसा है, पॉलीफेरा के पास है सेलुलर लेवल, फिर आपका सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के पास टिश्यू लेवल है, फिर प्लैटीएलमेंथस पहला है ओनली जिसके पास ऑर्गन लेवल आपको दिखेगा, बाकी सबके पास देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बाकी सबके पास, वेरी सिंपल इजंट इट। ओके, तो एक बार जो मैंने आपको बोला था तो जितने भी आपके कैरेक्टर है उसको हम लोग अभी देखो समराइज कर रहे हैं। ओके, फिर अगर जर्म लेयर की बात करेंगे ओके तो पॉलीफेरा में देखो सेलुलर लेवल क्यों है, क्योंकि जर्म लेयर होते ही नहीं है, देयर इज नो जर्म लेयर मतलब अब्लास्टिक लेयर। तो इसके लिए देखो रिलेशनशिप भी आपको दिख रहा है। ओके, तो जिन एनिमल्स में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होता है उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, और जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आता है वहां से ऑर्गन डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। ओके, खाली यही है कि प्लैटी एलिमेंट्स में ऑर्गन्स जो है वो ज्यादा होते हैं, सिस्टम बहुत ही कम रहता है। ओके, लेकिन सिस्टम प्रॉपर सिस्टम आपका एस्केलमेंटस के बाद होता है। इसके देखो ज्यादा करके एनिमल ये जो ग्रुप है आपका इसके बाद एस्केलमेंटस के बाद, ओके, इनमें नेचुरली सब में कॉमन फीचर है, देर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक, देर ऑल हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड देर ऑल हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ओके, ये हो गया करेक्ट। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग फिर सिमेट्री की बात करेंगे तो पॉलीफेरा जो है असिमेट्रिकल है, कुछ रेडियल होते हैं। ओके, फिर सिलेंट्रेटा को देखो रेडियल है, ये भी रेडियल है, प्लैटी एलिमेंटस कॉन्वर्ट सब बायलैटरल, खाली आपके इकानोडर्मेटा में कुछ ज्यादा करके रेडियल होते हैं, इसके लिए रेडियल पहले लिखा है। मोलुस्का में यू गॉट असिमेट्रिकल ऑल्सो एंड बायलैटरल ऑल्सो। ओके, अदरवाइज बायलैटरल टाइप जो है सबसे कॉमन सिमेट्री है, इसका मतलब देखो ज्यादा करके एनिमल में सबसे कॉमन सिमेट्री कौन सा है आपका बायलैटरल है। ओके, फिर बॉडी कैविटी, तो देखो अब ये जो हम लोग अभी सेशन चल रहा है इसको आप जब बाद में रिवाइज करोगे तो क्या करोगे, जैसे ये सेशन स्टार्ट कीजिए, वीडियो को ऑन कीजिए, ये जैसे आ जाता है बॉडी कैविटी उसके बाद में अपने माइंड में हर एक ग्रुप का आप नेचुरली ओरली माइंड से क्या करना है रिकॉल करना है, और फिर अल्टीमेटली जब आप फॉरवर्ड करोगे तो आपको दिखेगा कि फिर उससे चेक करना है कि कितना राइट हो गया आपका, कितना राइट हो गया, रॉन्ग हो गया आपका। ओके, बॉडी कैविटी के हिसाब से देखो पॉलीफेरा के पास सीलोम नहीं है, सिलेंडर के पास सीलोम नहीं है, यानी कहा प्लैटी हेलमेंटस तक सीलोम नहीं होता है, एस्केलमेंटस पहला एनिमल है जिसमें सीलोम बनता है लेकिन वो फॉल्स सीलोम होता है, फॉल्स सीलोम तो यहां पे है फॉल्स सीलोम। ओके, उसके बाद में सारे एनिमल देखो सीलोम वाले हैं। ओके, एकदम क्लियर कट। तो इसके लिए ये जो सेशन अभी चल रहा है ना इसको आप रिविजन वाले एकेंसी पार्ट में आप इस सेगमेंट को यूज कर सकते हो, तो पहले सेगमेंट जैसे दिखेगा उसके बाद में ओरली आप माइंड में क्या करना है रिकॉल करना है उसके बाद चेक करने के लिए वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे अभी आपको देखा है सेगमेंटेशन, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद में अभी क्या करना है आपको, अभी आप माइंड में देखिए सेगमेंटेशन किस किस में सेगमेंटेशन होता है, कौन कौन से एनिमल्स में सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है, तो उसके हिसाब से तीन टाइप के एनिमल्स है, अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेड एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो चलिए देखो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीएलमेंथस, एस्केलमेंथस तक अनसेगमेंटेड बॉडी है, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा के पास मेटामेरिक सेगमेंटेड है,
और मोलस्का इकोनोडर्मेटिक अनसेगमेंट पहला एनिमल जिसमें सेगमेंटेशन की शुरुआत हुई वो है आपका वर्ड हेमिकोरिडेटा। तो उसमें सेगमेंटेड बॉडी रहता है, ओके, अंडरस्टूड, स्पेशली इन द हेड रीजन के पास सेगमेंटेशन दिखता है, ओके, यानी कि प्रिमिटिव, उसको हम लोग प्रिमिटिव सेगमेंटेशन कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप का सेगमेंटेशन, ओके। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द हैबिटेट। नाउ वी सी द डिफरेंस इन द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट फाइलम, देखते हैं, ओके। तो पोरीफेरा सब पानी में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मराइन, मतलब सी वाटर में, एंड वेरी फ्यू आर वाटर फ्रेश वाटर। फिर सिलेंट्रेटा की बात करेंगे, वो भी एक्वेटिक है, स्टिनोफोरा इज ऑल्सो एक्वेटिक, ओके। तो सिलेंट्रेटा इज ऑल्सो मोस्टली मराइन और कुछ फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा, एज वी नो, है ना, हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट सिलेंट्रेटा। और टीनोफोरा ये इंपॉर्टेंट है, ऑल द एनिमल टाइप्स आर फाउंड ओनली इन वॉट सी वॉटर, या मराइन मतलब सॉल्टी वॉटर में ही पाए जाते हैं, ओके, दिस इज द थिंग। नाउ ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एक्सक्लूसिव मानता है, नॉट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन वॉट फ्रेश वॉटर, ओके। द प्लैटी हेलमिंथस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो अभी जमीन पे जिन्होंने आके रहने की कोशिश की और रहते भी हैं, एंड लेकिन ज्यादा करके आपके पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, एंडो पैरासाइट मतलब दे लिव इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, ओके, अंडरस्टूड, एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे लिव इन बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स दे डिराइव द नरिशमेंट, दे ग्रो, दे मल्टीप्लाई, उस प्रोसेस में नेचुरली डिजीजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर वर्ड एनिमल, ओके। इवन इन ह्यूमन ऑल्सो सम ऑफ द फॉर्म्स एक्चुअली अटैक, जैसे लीवर फ्लूक जो है वो ह्यूमन को अटैक करता है, ओके। नाउ एस्केलमेंथस फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, उसमें टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, और उसमें भी ज्यादा करके फॉर्म्स क्या है, पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, ओके। यानी कि देखिए अभी क्या है, पानी से अभी जमीन पे रहने की अभी क्या है, एडाप्टेशंस डेवलप हो रही है, ओके। उसके बाद में देखो एनालिडा अर्थवर्म, याद रखना है एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, कुछ फ्री लिविंग है और कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जैसे लीच इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, और ये कौन सा पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट, और जनरली लीच कंज्यूम्स ब्लड, तो ब्लड कंज्यूम करने वाले प्रॉपर्टी को सैंग्वी वोरस यू कैन सी हैबिटेट भी कहते हैं। देन आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा ग्रुप, वो इसके लिए सबसे बड़ा ग्रुप हो गया क्योंकि ये हर जगह पे पाया जाता है, दिस इज द फर्स्ट यू कैन सी वेरी डेवलप्ड ग्रुप ऑफ व्हाट ऑर्गेनिज्म जिसमें जॉइंटेड अपेंडिजेस होने की वजह से दे कैन एक्चुअली मूव वेरी इजिली, उड़ भी सकते हैं, और नेचुरली बॉडी का जो स्ट्रक्चर इसका डिजाइन है, दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और साथ में अपने एनिमी से वो आसानी से बच सकते हैं, दैट्स वाई सर्वाइवल एबिलिटी इज वेरी गुड इन वॉट आर्थ्रोपोडा, जिसके बारे में डिटेल में एजेंसी में विजन बैच में एजेंसी बताया है। फिर मोलस्का, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर है, और कुछ लैंड पे भी रहते हैं, मोलू मोलू बॉडी वाले मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, ये दोनों एक्सक्लूसिवली मराइन। तो यहां पे आपको लिस्ट में क्या दिख रहा है, तो आपका टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, ये तीन फाइला के जितने भी एनिमल टाइप्स है ये पूरी तरह सी वाटर में ही रहते हैं, ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट एस्पेक्ट देखना है हमको, यस, मतलब आपका सर्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर, ब्लड होता है या नहीं, ओके, वैस्कुलर मतलब द फ्लो थ्रू वेसल्स, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है या नहीं होता है, तो किस टाइप का होता है, ओके। तो देखिए, तो पोरीफेरा में एब्सेंट होता है, तो फिर सर्कुलेशन किस टाइप का है, वाटर एक्चुअली एंटर्स इन द बॉडी टू द माइन्यूट पोर, ओके, और इसी पानी के थ्रू उसका फूड, उसका एजेंसी ऑक्सीजन उसको मिलता है, और जो वेस्ट बॉडी में तैयार होता है वो उसी वाटर से क्या है, बॉडी बाहर निकाल देता है, ओके। सो तो सिलेंट्रेटा में भी एब्सेंट है, उसमें भी वाटर एंटर्स इन द बॉडी एंड द वाटर ब्रिंग्स द फूड। फिर टीनोफोरा में भी सेम, एब्सेंट 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 मतलब ब्लड नहीं होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ओके। तो प्लैटीहेलमिंथस एंड एस्केलमिंथस जनरली ये बॉडी के अंदर रहते हैं, दूसरे एनिमल्स के बॉडी में ज्यादा करके अंदर रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं, ओके, थ्रू बॉडी। देन एनिलिडा पहला एनिमल है जिसमें ब्लड डेवलप हुआ, क्लोज सिस्टम जस्ट लाइक अस। तो क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्हेन द ब्लड रीचेस टू ईच एंड एवरी बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल के थ्रू रीच करता है तो उसको क्लोज कहते हैं, और अगर ब्लड इज फ्लोइंग फ्रीली इन द बॉडी कैविटी जिसको सीलम कहते हैं तब उसको कहते हैं ओपन टाइप। तो एनिलिडा में क्लोज टाइप, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप, मोलस्का में ओपन टाइप है, कुछ में क्लोज टाइप होता है। यानी कि देखिए क्या हो रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहा है, ओके, अंडरस्टूड। इकाइनोडर्मेटा में देखो
सर्कुलर सिस्टम नहीं होता है, उसमें भी वाटर स्पेशल, ये स्पेशलिटी है इकाइनोडर्मेटा की कि दे हैव गॉट ए स्पेशल सिस्टम जिससे वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है और फिर इसी वाटर के थ्रू फूड भी एंटर करता है, ऑक्सीजन भी एंटर करता है, तो टिश्यूज जो है, जो सेल्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जो भी वेस्ट बॉडी में तैयार होता है इसी वाटर के फ्लो से क्या है बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हेमिकोर्डेटा में भी ओपन टाइप, यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो सर्कुलर सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन द नॉन कॉर्डेट्स इज आइदर एब्सेंट, और अगर प्रेजेंट है तो जनरली वो कॉमन टाइप कौन सा है आपका, ओपन टाइप आपको दिख रहा है। ओके, फिर ब्लड की बात करेंगे, ब्लड होता है या नहीं तो सिंपल है। ओके, तो देखिए, तो ब्लड इन केस ऑफ वैकेंसी फर्स्ट 5 ऑर्गेनिज्म्स में क्या है, एब्सेंट ही होता है। ओके, अंडरस्टूड, तो ब्लड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बॉडी इज सिंपल एंड इट कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग, या वाटर के थ्रू नेचुरली फूड उनके बॉडी में एंटर करता है। ओके, सो एनिलिडा में क्लोज टाइप है और ब्लड रेड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरियर है तो एफिशिएंसी बढ़ गई। देन आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का में नॉन रेड ब्लड होता है। ओके, एंड मोलुस्का में देखिए, मोलुस्का का जो ब्लड नॉन रेड होता है, कुछ मोलुस्का में हीमोसायनिन नाम का केमिकल होता है जिसके लिए ब्लड कैन बी ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। ओके, तो कुछ मोलुस्का जो है जैसे ऑक्टोपस का खून अगर देखेंगे तो दिस यू कैन सी ब्लू इन कलर बिकॉज हीमोग्लोबिन जो लाल कलर देता है उसकी जगह पे हीमोसायनिन डेवलप होता है। फिर इकाइनोडर्मेटा के पास तो ब्लड है ही नहीं क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम ही नहीं है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, उसकी जगह पे वाटर एक्ट्स एज ए कैन सी वॉट ट्रांसपोर्ट मीडियम। देन हेमिकोर्डेटा जो है वो नॉन रेड ब्लड है, मतलब कलरलेस ब्लड है, तो नॉन रेड जनरली कलरलेस होता है। ओके, अंडरस्टूड, तो कलरलेस होने का कारण है कि आरबीसी नहीं है और हीमोग्लोबिन नहीं है, तो जनरली इसका मतलब यहां पे भी बोल सकते हैं कि ब्लड इज आइदर एब्सेंट और इफ इट इज प्रेजेंट इट इज नॉन रेड और इट इज कलरलेस। ओके, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट। उसका कारण क्या है कि देखो बॉडी एकदम सिंपल है तो ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर सेल को या तो डायरेक्टली मिलता है या वो डायरेक्टली सराउंडिंग से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इसके लिए ब्लड जो है मेनली ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है। ओके, और जिनमें एबिलिटी आ गई है जैसे आपका रेड ब्लड है मतलब हीमोग्लोबिन है, ब्लू ब्लड है मतलब हीमोसाइन है, तो वहां पे ब्लड जो है इट कैरीज द ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या नहीं। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो देयर शुड बी ए लैब्रोट, क्योंकि सिस्टम, देखिए फिर से बोल रहा हूं, सिस्टम कब माना जाता है, जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है तब जाके सिस्टम माना जाएगा। ओके, चलिए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पोरीफेरा में एब्सेंट है, आपका सिलेंट्रेटा में नहीं है, टिनोफोरा में नहीं है, यानी कि एनिलिडा में भी नहीं है, आपका इकाइनोडर्मेटा में भी नहीं है। ओके, अभी रेस्पिरेशन फिर होता क्या था, अभी रेस्पिरेशन का बेसिक मतलब क्या है, बेसिक मतलब जो बचपन से पढ़ा है कि भाई ऑर्गेनिज्म हैज टू टेक ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म सिंपल टाइप के है फिर से होता है ऑक्सीजन डायरेक्टली सराउंडिंग मीडियम से, या एक एनसी पानी है। ओके, या अगर वो लैंड पे रहते हैं तो डायरेक्टली एक एनसी वॉट एयर से या सॉइल से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कोई सेपरेट सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही एनिमल डेवलप हुआ तो अल्टीमेटली फिर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए नेचुरल सिस्टम की जरूरत पड़ गई। ओके, तो देखिए, तो आपका सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिसमें सिस्टम डेवलप हुआ है वो है आर्थ्रोपोडा, जिसमें ट्रैकियल टाइप या ब्रैंकियल टाइप, ब्रैंकियल सॉरी बच्चों यहाँ पे स्पेलिंग में, ब्रैंकियल टाइप का एक एनसी वार्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ। अभी ब्रैंकियल और ट्रैकियल क्या है, ट्रैकियल इज द ट्रैकियल ट्यूब मतलब ब्रीदिंग ट्यूब्स रहते हैं, तो बॉडी कंटेन ब्रीदिंग ट्यूब्स, और ब्रैंकियल मतलब गिल्स, गिल्स होना, क्योंकि ज्यादा करके एनिमल्स जिनके जो पानी में रहते हैं, देखिए जो पानी में रहते हैं उनके पास दो मैकेनिज्म होता है, एकदम सिंपल बताता हूँ, जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं उनके पास दो मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एक तो स्किन, जनरल बॉडी द स्किन, तो उसके लिए स्किन मॉइस्ट होना चाहिए, अगर स्किन इतना एफिशिएंट नहीं है तब गिल्स की जरूरत पड़ती है, तो गिल्स और स्किन हेल्प्स इन ब्रीदिंग इन द एक्वाटिक एनवायरमेंट जनरली, और अगर लैंड पे अगर वो एनिमल आ जाता है तो फिर उसके लिए चाहिए फिर वॉट लंग्स चाहिए, नहीं तो फिर ट्रैकियल सिस्टम, तो ये जो ट्रैकियल सिस्टम है इट इज एक्चुअली मॉडिफाइड ओके फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस इन द लैंड, यानी कि जमीन पे आने के बाद अल्टीमेटली कैसे अगर एस्पायर करना है तो हवा के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके या कलेक्ट करके उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है, तो ट्रैकियल सिस्टम में क्या होता है कि नेचुरली द ऑक्सीजन इज या एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू द पोर्स,
स्पेशल पोस्ट जिसको स्पेरिकल कहते हैं, और ये ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट तक डायरेक्टली पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ट्रकियल सिस्टम, दैट इज द ब्रीदिंग ट्यूब। जैसा देखिए हमारे जो सिस्टम है उसमें ये सारे जो कंपोनेंट है या एस्पेक्ट है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रोंकियल ट्री है यानी कि रेस्पिरेटरी ट्यूब का जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो ट्रकियल सिस्टम की तरह है। ओके, फिर मोलस्का में भी ब्रैंकियल टाइप होता है, मतलब गिल्स होते हैं। फिर इकानोडर्मेटा में एब्सेंट है, क्योंकि फिर से बताया वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से नेचुरली वो ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। हेमिकोडेटा में भी आपका गिल्स है तो उसके पास ब्रैंकियल टाइप है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ज्यादा करके नॉन कॉर्डेट्स में अल्टीमेटली क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो जो ब्रीदिंग है डायरेक्टली या तो स्किन के थ्रू होती है नहीं तो गिल्स होते हैं। ओके, क्योंकि ज्यादा करके यू कैन से एक्वाटिक एनवायरमेंट में रहते हैं। ओके, तो चलिए अभी ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है या ब्रीदिंग वाया विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे पॉलीफेरा में सिंगर हर सेल जो है हर सेल डायरेक्टली ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है, तो उसके लिए वी हैव गॉट सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, तो सेल्स एवरी सेल ऑब्टेन द ऑक्सीजन डायरेक्टली, क्योंकि जब पानी बॉडी के अंदर उनके एंटर करता है तो हर सेल उस पानी में से अपने ऑक्सीजन को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, देखिए उनमें स्किन के थ्रू ब्रीदिंग होती है, तो स्किन के थ्रू जब ब्रीदिंग होती है तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, फिर आपका देखिए आर्थ्रोपोडा के पास स्किन भी है, स्किन से भी करता है। ओके, जो लार्वल स्टेजेस होता है वो स्किन से करते हैं, गिल्स भी है, बुक लंग्स भी है। तो बुक लंग और आपका ये ट्रकिया ये क्या है, लैंड मतलब टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट के लिए लैंड, तो लैंड पे अगर वो रहते हैं जमीन पे तो उसके लिए, और स्किन और गिल्स क्या है आपके वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए एफिशिएंटली तैयार किए गए। ओके, जैसे देखिए बहुत सारे मोडिफिकेशन के लिए आर्थ्रोपोडा ग्रुप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि इसमें हर टाइप का एक एनसी वॉट स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं। ओके, ताकि लैंड पे भी वो सर्वाइव कर सके और वाटर में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। ओके, नाउ फिर मोलस्क के पास गिल्स होते हैं जो फेदर जैसे होते हैं, जिसको कहते हैं टिनिडिया, फेदर लाइक गिल्स होते हैं जो मेंटल कैविटी में रहता है। अभी मेंटल क्या होता है, तो सॉफ्ट बॉडी रहने वाले भाई मोलस्का, तो मोलस्का की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक लेदरी यू कैन सी व्हाट कवर रहता है। ओके, जिसको मेंटल कहते हैं, और इसी मेंटल से अल्टीमेटली कुछ एनिमल्स में आपका शेल भी तैयार होता है, ये हम लोग देखेंगे। ओके, फिर इकानोडर्मेटा के पास होता है गिल्स, नहीं तो रेस्पिरेटरी ट्री होता है। ओके, देन हेमिकोडेटा के पास होता है फेरेंजियल गिल्स, तो पहला एनिमल जिसमें फेरेंक्स में गिल्स डेवलप होता है। इसके लिए देखो, दिस इज द कॉर्डेट फीचर, दिस इज द कॉर्डेट फीचर, और इसी फीचर के वजह से आपका हेमिकोडेटा जो है, ओके, उसको हेमिकोडेटा कहते हैं, पार्शियली उसमें कॉर्डेट का फीचर आ गया है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं। ओके, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑर्गन होने चाहिए, ग्लैंड्स होने चाहिए, सीक्रेशन प्रोड्यूस होने चाहिए, फूड अंदर जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स तैयार होने चाहिए, उसके अलग से ग्लैंड्स होने चाहिए, तब वो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम माना जाएगा। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब है जो सबसे जनरल बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें होता है एक डाइजेस्टिव ट्यूब जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसके एक एंड पे होता है माउथ, दूसरे एंड पे एनस होता है। ओके, चलिए तो अगर पॉलीफेरा की बात करेंगे तो यहाँ पे एब्सेंट है क्योंकि वाटर के थ्रू ही फूड जाता है, पहला एनिमल जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, मतलब एक ही ओपनिंग है, वो है आपके पहले नेक्स्ट तीन, तो उसमें आपका इनकम्प्लीट है, बाकी सब में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो क्यों बच्चों, एकदम सिंपल। ओके, तो आपका ये तीनों सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, दे हैव गॉट अ माउथ एंड द माउथ enters into a digestive bag, so they have got digestive bag, ये उनका digestive bag है, and there is a single opening, इसी opening को हम लोग mouth भी कह सकते हैं and उसको anus भी कह सकते हैं, क्योंकि food will enter through the mouth and it will go out from the same opening, okay? और ये तो देखिए digestive tube बना है जिसको blind sac भी कहते हैं, यही blind sac body plan है, okay? और फिर ये है body wall, ये बाहर का body wall है, तो ये है basic design of these animals. फिर अगर एस्केलमिंथस के बाद देखा जाए, आफ्टर एस्केलमिंथस देयर इज टू अपोजिट ओपनिंग्स इंटरकनेक्टेड बाय ट्यूब, ये है आपका डाइजेस्टिव ट्यूब, यह है डाइजेस्टिव ट्यूब, तो एक एंड पे माउथ, तो माउथ वो एंड है जहां से फूड एंटर करेगा, और यह है एनस जहां से विसर्ट होगा, और यह है आपका बॉडी वॉल। ओके, तो दिस बेसिक डिजाइन, इसको हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। इसका मतलब है जो बॉडी प्लान है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द
टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आपका पोरीफेरा में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है क्योंकि यहां पे है सेल एग्रीगेट टाइप का यू कैन सी बॉडी प्लान। फिर आपका सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, इनके पास, इन तीनों के पास आपका है ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न, और बाकी के अभी जितने भी यू कैन सी ऑर्गेनिज्म है उन सब के पास है ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब इन ट्यूब। तो बाहर वाला ट्यूब हो गया आपका बॉडी ट्यूब या बॉडी वॉल ट्यूब, और अंदर वाला ट्यूब जो है वो है डाइजेस्टिव ट्यूब। ओके, इजंट इट बच्चों? तो इस तरह इसका मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी प्लान दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, चलिए फिर अब देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है, कहां पे होता है। सेल्स, हर सेल अपना अपना फूड खुद कैप्चर करता है क्या, या सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें होता है क्या? ओके, तो कुछ टर्म्स यूज करते हैं, जैसे पोरीफेरा में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ओके, यानी कि हर सेल जनरली, बॉडी का हर सेल जनरली अमीबोसाइट्स, तो वहां पे होते हैं अमीबोसाइट्स। तो हमने ये पढ़ा था अमीबोसाइट्स जो है दे कैप्चर द फूड, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर उस फूड को वो क्या करते हैं, जो डाइजेस्ट फूड है सराउंडिंग टिश्यूज जिन जो खा नहीं पाते उनको सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा डिवीजन और लेवर हमें एक एनसी दिखेगा इसमें। ओके, फिर सिलेंट्रेटा में या तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और फिर इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, सेम टीनोफोरा एक्स्ट्रा सेलुलर और वॉट इंट्रा सेलुलर, मतलब ये सेल्स है, ये सेल्स है सपोज, तो अगर सेल फूड को अपने अंदर लेके डाइजेस्ट करता है तब उसको कहेंगे आपका इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और सेल्स के बीच में जो स्पेस है अगर यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है अंदर सेल्स के बाहर, तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ओके, तो उनके पास दोनों मेथड्स है। ओके, एक्स्ट्रा सेल क्यों हो गया, क्योंकि ब्लाइंड सैक है, तो ब्लाइंड सैक की वजह से यहाँ पे जो बॉडी सेल्स है, डाइजेस्टिव सेल्स है, वो केमिकल रिलीज करेंगे और फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर इन विद इन द डाइजेस्टिव बैग। ओके, फिर प्लेटिहेल्मिंथस, देखिए ज्यादा करके पैरासाइट्स होते हैं तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द स्किन, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं। ओके, कुछ पैरासाइट्स होते हैं क्योंकि दे हैव टू एक्चुअली वॉट लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, और जो भी फूड मटेरियल है उसको डायरेक्टली स्किन के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ओके, जिनके पास माउथ होता है, इसमें कुछ एनिमल्स के पास देखो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नहीं, माउथ भी नहीं है होता है। ओके, क्योंकि वो एकदम प्योरली पैरासाइटिक मोड अडॉप्ट किए हुए। फिर एस्केल्मिंथस में देखो, हाँ यहां से अभी देखो अगर आप ध्यान देखोगे इनकम्प्लीट है, इसके लिए नेचुरली जो डाइजेशन हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है या सेल के बाहर किया जा रहा है। ओके, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स जो है वो डाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका एस्केल्मिंथस के ऑनवर्ड जितने भी है कंप्लीट बॉडी यू कैन सी जो है उसके एक एंड पे आपका क्या है, माउथ है, दूसरा आपका व्हाट एनस है, तो एक कंप्लीट ट्यूब डाइजेस्टिव ट्यूब तैयार हो गया है, फूड इस डाइजेस्टिव ट्यूब के थ्रू जाता है। ओके, और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में स्पेशल इंटेस्टाइन में फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, जो डाइजेस्ट फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में और बाकी का जो वेस्ट है उसको बॉडी से निकाल देते हैं। ओके, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक क्योंकि द फूड इज एक्चुअली कंज्यूम डायरेक्टली अगेन इन द होलसम मैनर। ओके, पूरा खाना जो भी उनका खाना है उसको पूरा माउथ से ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को पांच स्टेप में क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो होलोजोइक में क्या होता है, इंजेशन, उसके बाद में डाइजेशन, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और लास्ट में क्या है, इंजेशन, विसर्जन किया जाता है। ओके, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा फर्क है। एस्केल्मिंथस में माउथ और एनस है, मतलब क्योंकि माउथ से एंटर होगा, एनएस से वेस्ट निकलेगा, और साथ में मस्कुलर फैरिंक्स, तो फूड को निगलते हैं, स्वैलो करने की एबिलिटी है। एनिलिडा में फूड को ग्राइंड करने के लिए गिजार्ड होता है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। अब देखो पैरासाइट जितने भी एनिमल्स है उनमें यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तो होगा, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है सारे तैयार नहीं होते, दे कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एकेंसी कॉम्प्लेक्स फूड, तो इसलिए वो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो आर्थ्रोपोडा में भी देखिए उनके पास क्रॉप होता है, साथ में गिजर्ड। क्रॉप क्यों चाहिए, क्योंकि फूड को वो स्टोर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केंसी आर्थ्रोपोडा हैज द क्रॉप कहते हैं, उसमें वो फूड को स्टोर करते हैं, फूड को फिर गिजर्ड जो ग्राइंडर मशीन जैसा काम करता है। ओके, और कुछ पैरासाइट्स है, तो जो पैरासाइट्स है नेचुरली उनके पास होती है एबिलिटी कि वो डायरेक्टली अपने होस्ट जिस एनिमल के बॉडी में वो रहते उसके सॉल्युबल सब्सटेंसेस या यू कैन सी व्हाट सिंपल सब्सटेंसेस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स चीजों को कंज्यूम नहीं करता है। ओके, फिर मोलुस्का के पास होता है माउथ, जिसके पास स्पेशल यू कैन सी व्हाट फीचर होता है, उसको कहते हैं रेडुला, विच इज अ रैस्पिंग ऑर्गन, विच इज अ रैस्पिंग या टीयरिंग ऑर्गन रहता है। ओके,
देन इकोनोडर्मेटा के पास देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है, लेकिन वो फूड को लेता कैसे, सेम वाटर वैस्कुलर सिस्टम से वो फूड को कैप्चर करता है, ओके okay? और फिर हेमिकोडर्मेटा के पास होता है प्रोबोसिस जिससे वो फूड को कैप्चर करता है। तो दीज आर द सेलिएंट फीचर ओके ऑल्सो ऑफ एवरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट फाइलम। चलिए नेक्स्ट अभी है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या नहीं, ओके यस पोरिफेरा में एब्सेंट। प्लैटीहेल्मिंथस पहला एनिमल है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हुआ, मतलब एक प्रॉपर यू कैन सी व्हाट पार्ट बॉडी का जो वेस्ट को, बॉडी के वेस्ट को कलेक्ट करेगा और बॉडी के एक्सक्रीटरी ओपनिंग से उसको निकाल देगा। तो सब उस सिस्टम बन जाता है भाई, ओके क्या भाई आपको बॉडी के सारे वेस्ट को कलेक्ट करना है या तो इमीडिएटली निकालना है या तो स्टोर करके आपको क्या है निकाल देना है, ओके तो एक्सक्रीटरी पोर होने की जरूरत है, ट्यूब होने की जरूरत है, तो वो शुरुआत होती है आपके प्लैटीहेल्मिंथस। तो प्लैटीहेल्मिंथस के बाद सारे के सारे एनिमल्स के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, ओके अंडरस्टूड। लेकिन इकाइनोडर्मेटा के पास नहीं है, क्योंकि फिर से बोला उनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, वही ब्रीदिंग का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है, वो आपका यू कैन से एक्सक्रीशन का भी काम यही करता है, ओके तो दिस इज वेरी पिक्यूलियर फॉर द इकाइनोडर्म्स, ओके। चलिए फिर एक्सक्रीशन होता कैसे है, यानी कि वेस्ट बॉडी में तो तैयार होगा तो उसको निकाला कैसे जाता है, तो एक पॉरीफेरा में जो कैनाल सिस्टम है वही इन वेस्ट को कलेक्ट करता है और जब वाटर इस कैनाल सिस्टम से बाहर निकाल देते तो वेस्ट भी साथ में बाहर चले जाते। तो सिलेंट्रोटा में डायरेक्ट वेस्ट को स्किन से निकाल दिया जाता है या माउथ से, हाइपोस्टोम इज द माउथ, इज द माउथ कॉमन माउथ, माउथ उसमें से निकाल देते हैं। हाँ प्लैटीहेल्मिंथस में पहली बार देखिए सिस्टम डेवलप हुआ, ओके तो इस स्पेशल सेल्स को या यूनिट को एक्सक्रीटरी यूनिट, ये प्रोटोनेप्थेरिया इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट्स। तो एक्सक्रीटरी यूनिट्स डेवलप हुए, ओके अगर आपको अगर मालूम होगा, अगर आपको ह्यूमन का मालूम है वी हैव गॉट नेफ्रॉन, किडनी के अंदर होता है एक्सक्रीटरी यूनिट जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, तो नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर की शुरुआत जो हुई वो आपका प्लैटीहेल्मिंथस हुई जिसको प्रोटोनेफ्रेटिक को फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, हम लोग देखेंगे अभी, ओके। देन एस्केल्मिंथस के पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है और उस ट्यूब में कैनाल सेल्स होते हैं और पोर से एक्सक्रीटरी पोर से वेस्ट को शरीर के बाहर से निकाल दिया जाता है। एनिलिडा में फिर डेवलपमेंट हुआ, नेफ्रिडिया डेवलप हो गया जिसमें एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के वेस्ट को कलेक्ट करता है और उसके पास भी पोर होता है जिसको अभी क्या कहेंगे, नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रिडियोपोर से उसको निकाल दिया जाता है, ओके। तो देखिए बच्चों मतलब धीरे धीरे एनिमल जैसा डेवलप हो रहा है, हर सिस्टम में थोड़ा सा एडवांसमेंट हो रहा है क्योंकि बॉडी का साइज बढ़ रहा है, बॉडी में नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ रहे हैं, तो है ना। तो जैसे ऑफिस में अगर एक ही बंदा एक ही काम कर रहा है, ओके लेकिन अगर काम का लोड बढ़ गया तो और भी बंदे चाहिए, तो फिर हर बंदे को अलग अलग एक ऐसी जॉब असाइन करना है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ओके फिर स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, करेक्ट। तो इस तरह जो भी वेस्ट कलेक्ट होगा उसके लिए फिर अल्टीमेटली हर चीज़ काम करने के लिए आपको फिर अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए। तो यही हो रहा है एनिमल के वैकेंसीज डेवलपमेंट में, ओके। फिर आर्थ्रोपोडा के पास और स्पेशल वैकेंसी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मैल्पीजिन। अगर आपको मालूम है नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन मतलब एनिमल्स एडवांस में, मैल्पीजिन बॉडी, ओके तो यहाँ पे मैल्पीजिन ट्यूब्यूल डेवलप हुए। फिर उसके पास एडिशनल यूरोकोज नहीं तो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स के पास ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। फिर मोलुस्का के पास होता है किडनी जिसको ऑर्गन ऑफ बुजैनस भी कहते हैं, तो किडनी जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। फिर इकाइनोडर्मेटा के पास गया तो वो डायरेक्टली डिफ्यूजन करता है क्योंकि एब्सेंट है, उसके पास आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं बेसिकली, तो जो वाटर उसके बॉडी में एंटर करता है इसी के थ्रू अपने वेस्ट को वो निकाल देता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का सबसे यूनिक फीचर है। और फिर हेमिकोडर्मेटा के पास होता है आपका ग्लोमेरुलस, तो आपको अगर मालूम होगा नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ओके जिसके आसपास ही आपका बोमेन कैप्सूल होता है जिसको मिलके मैल्पीजिन बॉडी कहते हैं, ओके ये आपने 10 में पढ़ा है। और साथ में प्रोबोसिस ग्लैंड, तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, वेस्ट को यू कैन सी कलेक्ट करता है, ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है, वेस्ट को फिल्टर करता है, प्रोबोसिस ग्लैंड उसको कलेक्ट करके फिर बॉडी से निकालता है। तो इस तरह देखिए हर एनिमल टाइप ने अलग अलग सिस्टम को, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल के बारे में, तो एनिमल को देखिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, साथ में वो वेस्ट तैयार करेगा, ये मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाया जाता है। ऑक्सीजन अगर यूज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और न्यूट्रिएंट्स को अगर यूज करने के बाद बॉडी में जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उससे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं जो टॉक्सिक्स होते हैं, टॉक्सिक टाइप के केमिकल होते हैं। तो वेस्ट को निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू यू कैन सी कंजम्पशन ऑफ व्हाट फूड,
इसके लिए वेस्ट को पहले तो कलेक्ट करना है ओके, और फिर बॉडी से निकालना पड़ता है ओके। और इसके साथ ही क्या होता है, देखिए अगर वेस्ट को निकालना है तो कुछ मीडियम चाहिए, तो एक्सक्रीशन साथ साथ वाटर और सॉल्ट का बैलेंस भी मेंटेन करता है, जिसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो है एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑल्सो ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग वाटर एंड लेवल ऑफ वाटर सॉल्ट, क्योंकि हर सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेवल चाहिए, आयन का लेवल होना चाहिए ओके। चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है आपका भाई नर्वस सिस्टम कैसा है, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एनिमल आपको मालूम है उसको मूव करना है ओके, तो मसल को अल्टीमेटली आपको सिग्नल देना है भाई कि कब मूव करे, कभी भी मसल तो काम नहीं कर सकता, चाहे वो इनवॉलेंट्री है वॉलेंट्री है, तो उसके लिए हमें नर्वस सिस्टम चाहिए। साथ में एनिमल हैज टू सेंस द एनवायरमेंट, तो सेंस करने के लिए भी अल्टीमेटली एक आपका एक सेंटर चाहिए जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर बॉडी को बताएगा भाई करना क्या है, तो उसके लिए नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हुई। तो आपका पॉलीफेरा में प्रैक्टिकली नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट, उसमें नर्व सेल्स होते हैं लेकिन दे आर डिफ्यूज टाइप, यानी कि बॉडी में अगर देखेंगे ये अगर बॉडी है तो यहाँ पे एक नर्व सेल, यहाँ पे एक नर्व सेल, यहाँ पे एक नर्व सेल्स, एंड दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हर पार्ट में नर्व सेल्स होते हैं, वो उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या करते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं, बट पूरा का पूरा बॉडी जो है इट इज नॉट इंटरकनेक्टेड बाय व्हाट आपका नर्व सेल्स ओके। लेकिन तो सिलेंट्रेटा और आपका टीनोफोरा ये पहला एनिमल है जिसमें अगर एनिमल की बात करेंगे तो उसमें नर्व सेल्स होते हैं, ये नर्व सेल्स हैं और ये नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं, जिससे पूरे बॉडी में नर्व का एक जाल जैसा बन जाता है ओके। इधर भी नर्व नेट है। फिर प्लैटीहेलमिंथस में लैडर टाइप का यू कैन सी व्हाट आपका नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ ओके। फिर एस्केलमेंथस के पास पेयर गैंगलिया नर्व रिंग डेवलप हुआ, इसमें लैटरल नर्व के साथ नर्व रिंग डेवलप हुआ है ओके। और फिर एनालिटिक गैंग्लियोनेटेड गैंग्लियंस क्या होते हैं, छोटे छोटे नर्व सेल्स के जो मासस होते हैं जो ब्रेन की तरह काम करते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट्स जो है उसको हम लोग कहते हैं गैंग्लियंस। तो इसमें भी नर्व रिंग है, तो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा ज्यादा करके आपके नॉन कॉर्डेट्स में नर्व रिंग और डबल नर्व कॉर्ड होता है, मतलब बेसिक ऐसा है कि अगर ये एनिमल का बॉडी है तो हेड रीजन जो भी है मतलब एंटीरियर रीजन जो है वहां पे नेचुरली गैंग्लियंस मिलके एक रिंग जैसा तैयार करते हैं, और फिर वेंट्रल साइड में गैंग्लियंस का क्या है पेयर गैंग्लियंस का एक सीरीज तैयार हो जाता है, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट लेफ्ट एंड राइट नर्व फाइबर, इससे बन जाता है। तो एंटीरियर पार्ट में आपका बनता है नर्व रिंग और फिर बॉडी के रिमेनिंग पार्ट में तैयार होता है आपका नर्व कॉर्ड ओके। एंड दिस नर्व कॉर्ड एज वी नो ओके नॉन कॉर्डेट में इट इज डबल, इट इज सॉलिड एंड इट इज गैंग्लियोनेटेड ओके। कौन से साइड में है, देखो ये वेंट्रल साइड में, ये आपका लोअर साइड है वेंट्रल साइड। तो ये रिंग क्यों बनता है, ये रिंग इसके लिए बनता है बच्चों कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि माउथ से जो डाइजेस्टिव ट्यूब निकलता है वो ट्यूब इस रिंग के थ्रू क्या है पास होता है, यानी कि जो आपका गैंग्लियंस का एक पार्ट जो है आपके डाइजेस्टिव ट्यूब के थ्रू पास होता है ओके। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली रिंग की जरूरत पड़ जाती है ओके। तो इट कैन बी द फैरिंग्स पार्ट, इट कैन बी इसोफेगस पार्ट, जैसे आपका एनिलिडा में जो है वो फैरिंग्स के आसपास होता है, फैरिंग्स के आसपास रिंग होता है, आर्थ्रोपोडा में इसोफेगस के आसपास रिंग तैयार होता है ओके। एक्चुअली रिंग जैसा स्ट्रक्चर एक्चुअली बनता है सबसे पहले एस्केलमिंथस में ओके। अंडरस्टूड, नेक्स्ट बातें करेंगे, अभी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। असेक्सुअल मेथड होता है क्या, ज्यादा करके एनिमल्स ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स का मेन मेथड सेक्सुअल है, लेकिन हाँ कुछ एनिमल्स में असेक्सुअल मेथड भी पाया जाता है ओके। तो पॉलीफेरा में वी हैव गॉट फ्रेगमेंटेशन एंड गेम्यूल फॉर्मेशन विच इज द इंटरनल बड, उसको इंटरनल बड्स कहते हैं, और ये इंटरनल बड जनरली कैन सी अनफेवरेबल कंडीशन, तो इंटरनल बड अनफेवरेबल कंडीशन में तैयार होता है ओके। और फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग यू कैन सी इंजरी या कंडीशन में तैयार होता है। फिर सिलेंट्रेटा के पास भी फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग का प्रोसेस है, टीनोफोरा में एब्सेंट होता है, यस ये इंपॉर्टेंट है ओके। फिर प्लैटीहेलमिंथस में कुछ फॉर्म, प्लैनेरिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन। फिर एस्केलमिंथस में नहीं होता है, आपका एनिलिडा में भी नहीं होता है, यहां पे क्लोज हो गया, इधर आल्सो एब्सेंट ओके।
फिर आर्थ्रोपोडा में भी एब्सेंट है, इकैनोडर्मेटा में भी फ्रेगमेंटेशन जिसको रीजनरेशन वेरी हाई लेवल का रहता है ओके, और हेमिकॉर्डेटा के पास एब्सेंट है। अब यहाँ पे असेक्शुअल मेथड जो आपको दिख रहे हैं ये एनिमल्स में, इसके लिए पॉसिबल हो गया क्योंकि बॉडी में जो बॉडी है बेसिकली जो सिस्टम्स है वो डिफ्यूज टाइप के हैं, मतलब जैसे नर्वस सिस्टम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का है या बॉडी के हर पार्ट में जो नर्वस सिस्टम का जो पैटर्न है वो एक जैसा है, ये इंपॉर्टेंट है ओके। तो उसकी वजह से नेचुरली दे कैन एक्चुअली व्हाट परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन इजिली ओके, अंडरस्टूड। तो जिन एनिमल्स में फ्रेगमेंटेशन होता है वो इसके लिए होता है क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में बेसिक टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं, इसकी वजह से अगर उनका वो पार्ट अगर टूट के ब्रेक भी हो गया तो उस पार्ट से पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म क्या है क्रिएट किया जा सकता है ओके। चलिए अभी सेक्सुअल मेथड देखते हैं, उसमें पहले सेक्सुअलिटी देखेंगे ओके, कि एनिमल्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं कि एक ही एनिमल में एकेंसी वॉट सेक्सेस सेपरेट होते हैं कि एक ही एनिमल में दोनों टाइप के एकेंसी वॉट सेक्सेस पाए जाते हैं। अभी सेक्सेस का मतलब क्या है कि फंडामेंटल एनिमल के पास दो ऑर्गन होने चाहिए, एक तो टेस्टिस और दूसरा वॉट ओवरी। अगर टेस्टिस है तो स्पर्म्स बनेंगे और ओवरी है तो ओवम तैयार होंगे। तो जिन एनिमल्स के पास दोनों एबिलिटी होती है यानी कि दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन तैयार होते हैं वो होंगे बायसेक्सुअल, और जिनके पास कोई एक ही रहेगा या तो मेल टेस्टिस या तो स्पर्म बनाने की एबिलिटी टेस्टिस या ओवम बनाने की एबिलिटी ओवरी, तो उनको यूनिसेक्सुअल कहते हैं ओके। अभी इसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, पॉलीफेरा सिलेंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेलमिंथ। देखिए पहले जो आपके चार ग्रुप्स है दे आर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को मोनोशियस कहते हैं और मोनोशियस भी कहते हैं और साथ में इनको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट क्योंकि टेक्निकली हर कोई मां बन सकता है, क्योंकि अगर मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में है इसका मतलब है अंडा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हर एनिमल में है। तो अल्टीमेटली कैसा बनता है एनिमल में रिप्रोडक्शन, कैसा होता है कि मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करता है ओके अंडरस्टूड, और अंडा फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है जिससे फिर एम्ब्रियो तैयार होता है, एम्ब्रियो से फिर यंग वंस तैयार होता है या तो अंडे के अंदर या तो बॉडी के अंदर तैयार होता है ओके अंडरस्टूड। अभी इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो टीनो सिलेंट्रेटा है उसमें होता है मेटाजेनेसिस, दिस इज सिमिलर टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन केस ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन प्लांट्स। तो आपका जो सिलेंट्रेटा में दो फॉर्म्स होते हैं, असेक्सुअल फॉर्म एंड सेक्सुअल फॉर्म। तो असेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल फॉर्म बनता है, सेक्सुअल फॉर्म से असेक्सुअल फॉर्म बनता है, इसको हम लोग कहते हैं मेटाजेनेसिस। और असेक्सुअल फॉर्म जो होते हैं वो पॉलिप टाइप के होते हैं और सेक्सुअल फॉर्म जो होते हैं वो मेडुसा टाइप के होते हैं, इसका मतलब है पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप ओके। तो कुछ फॉर्म में आपका पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप से मेडुसा से मेडुसा से पॉलिप, इस प्रकार का लाइफ एकेंसी वॉट साइकिल डेवलप होता है जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटा मतलब मैनी, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ओके अंडरस्टूड, यानी कि असेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज अगर अल्टरनेट होते हैं तो उसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो दिस इज ए यूनिक फीचर ऑफ व्हाट सिलेंट्रेटा, मेटाजेनेसिस। तो आपको देखिए बहुत सारे सिलेंट फीचर भी देख ली। फिर एस्कल्मिंथस पहला फर्स्ट एनिमल है जिसमें मेल और फीमेल को अलग अलग कर दिया है, यानी कि एक इंडिविजुअल में खाली टेस्टिस डेवलप होगा, दूसरे इंडिविजुअल में खाली व्हाट ओवरी डेवलप होगा ओके अंडरस्टूड। तो फिर पहचानेंगे कैसे भाई क्योंकि अगर बाइसेक्सुअल है तो सारे एनिमल्स टाइप एक जैसे ही दिखने वाले, लेकिन अगर मेल और फीमेल अलग अलग है तो उनको एक दूसरे को पहचानना है ओके, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए दे गॉट ए स्पेशल फीचर जिसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि मेल और फीमेल अलग तो है लेकिन दे शो डिफरेंस इन देयर एक्सटर्नल फीचर ऑल्सो, ताकि मेल को ये समझे कि फीमेल कौन है और फीमेल को ये समझे कि मेल को, ताकि अट्रैक्शन हो कि मेल को अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करना है ओके नाउ। या कुछ केस में क्या होता है कि मेल और फीमेल अपने अपने गैमेट्स को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इसकी वजह से या तो बॉडी के बाहर होगा या तो बॉडी के अंदर होगा ओके, वो भी पॉइंट आएगा। फिर एनिमल में ज्यादा करके यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल ओके। फिर आर्थ्रोपोडा में यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअलिटी देखो इंक्रीज हो रही है ओके, यानी कि बाद में अल्टीमेटली क्या हो गया कि सारे के सारे एनिमल्स ने उन्होंने बोला कि यस इज बेटर कि भाई मेल और फीमेल अलग कर दो ओके, इट इज मोर इजी, क्योंकि एनिमल्स की एफिशिएंसी बढ़ गई, मूव करने की एफिशिएंसी बढ़ गई और अपने स्पर्म्स को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करने के मैकेनिज्म्स भी बहुत अच्छी तरह डेवलप हो गए ओके। तो देखिए अभी यहाँ पे ध्यान देना, अभी यूनिसेक्सुअल को डायोशियस कहते हैं, डायोशियस का मतलब होता है टू सेपरेट इंडिविजुअल्स, टू सेपरेट मेल एंड फीमेल, है ना, उसको डायोशियस कहते हैं। इसके यूनिक का मतलब देखो वन होता है, सिंगल सेक्स वाले वन सेक्स वाले ओके,
और बाई का मतलब होता है टू सेक्स वाले, दो सेक्स वाले, यानी कि एक एनिमल में दोनों टाइप के सेक्सुअल ऑर्गन है। ओके, इसके लिए उसको मोनोशियस कहते हैं। मोनोशियस मतलब बोथ इन वन, बोथ मेल एंड फीमेल इन वन। तो आप अगर बोलोगे सर कंफ्यूजन होता है, तो खाली आप याद रखो, बस ये याद रखना है आपको, यूनिसेक्सुअल मतलब आपका डायोशियस, बस इसको याद रखेंगे आप। बस अगर कंफ्यूज होता है कोई ये टर्म का मतलब क्या है, या कैसे पहचानेंगे कि मेल और फीमेल अलग है या सेम इंडिविजुअल में है, ये याद रखो यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस। यूनिसेक्सुअल तो मतलब आपको मालूम है वन सेक्स, ओनली वन सेक्स, तो डायोशियस उसके ऐड कर दिया। तो इसके अलावा फिर दूसरा वर्ड क्या है, बाइसेक्सुअल हर्मोफ्रोडाइट, उसी को हम लोग मोनोशियस भी कहते हैं, मोनोशियस। ओके, तो तीन टर्म को याद करने से अच्छा है दो टर्म को याद रखो, यूनिसेक्सुअल मींस डायोशियस, यूनिसेक्सुअल मींस डायोशियस। ओके चलिए, फिर फर्टिलाइजेशन देखते हैं कहां पे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। फर्टिलाइजेशन देखेंगे, पोरीफेरा इंटरनल, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो सिलेंडर के भी इंटरनल है, टीनोफोरा का है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, प्लैटिहेलमिंथस इंटरनल, सब जनरली सब इंटरनल, फिर मोलस्का इकोनोडर्मा हर्मेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये कैसे होता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मेल अपने स्पर्म्स को इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, फीमेल भी अपने अंडे को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जनरली एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ही पॉसिबल होगा। ओके अंडरस्टूड। चलिए फिर डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट आपको दो मिलेगा, या तो डायरेक्ट या आपका इनडायरेक्ट। अभी इसका मतलब क्या है, जाइगोट तो बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब जाइगोट बन गया। अभी जाइगोट से, ये जाइगोट नेचुरली क्या कहलाता है, फर्टिलाइज अंडा, याद रखना ये जाइगोट का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, ध्यान देना इधर। ओके, तो अंडा अगर फर्टिलाइज हो गया, यानी कि अंडे के अंदर एक स्पर्म ने एंट्री मार ली, तो समझ जाओ वो अभी जाइगोट बन गया। तो फर्टिलाइज अंडे को ही जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट से अभी आपको एक मिनीचर इंडिविजुअल तैयार करना है। ओके अंडरस्टूड। तो या अगर वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है अंडे के अंदर ही, मतलब सारे स्टेजेस डेवलप हो रहे हैं और वो डायरेक्टली मिनीचर फॉर्म में एक है इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, तो फिर वो डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन अंडे से अगर, अगर अंडे से, अंडे से इंटरमीडिएट स्टेजेस निकल रहे हैं, जैसे लार्वा एक टाइप के दूसरे टाइप के लार्वा, और फिर उसके बाद में अगर यू कैन सी एडल्ट्स तैयार होते हैं फाइनली, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओके, तो देखिए, तो पोरीफेरा में इनडायरेक्ट है बाय लार्वा स्टेजेस। ओके, तो आपका सिलेंडर में देखो दे आर बाइसेक्सुअल, मेटाजेनेसिस शो करते हैं। ओके, और इसमें भी आपका क्या है, आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फिर आपका टीनोफोरा में भी इनडायरेक्ट है, प्लैटिहेलमिंथस में इनडायरेक्ट है, उसमें लार्वल स्टेजेस बहुत सारे होते हैं। एस्केलमिंथस में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डेवलपमेंट, एनेलिडा में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट, कुछ केस में देखो यहाँ पे फर्क है, एस्केलमिंथस ज्यादा करके इनडायरेक्ट, कुछ फ्यू डायरेक्ट है, और आपका एनेलिडा में उल्टा है। ओके, डायरेक्ट डेवलपमेंट और आपके फ्यू आर व्हाट, इनडायरेक्ट। ओके, यानी कि अंडे के अंदर ही, अंडे के अंदर ही सारे अगर लार्वा डेवलप हो रहा है, अंडे के अंदर ही अगर लार्वा डेवलप हो रहा है अंडरस्टूड, तब वो हो जाएगा आपका वर्ड डायरेक्ट। लेकिन अंडे से लार्वा रिलीज होता है और लार्वा से फिर एडल्ट बनता है, तब वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। ओके, तो आर्थ्रोपोडा में आपके पास डायरेक्ट है, ज्यादा करके डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है। ओके, लार्वल स्टेजेस में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में आपको इंसेक्ट मालूम है, इंसेक्ट में यही होता है, एग से अगर आपने देखा होगा, एग से आपका लार्वा बनता है, लार्वा से आपको मालूम है प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फिर यू कैन सी व्हाट एडल्ट स्टेजेस डेवलप होते हैं। ओके, और कुछ केस में लार्वा स्टेजेस में भी मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। ओके नाउ, क्योंकि अभी आर्थ्रोपोडा स्टेज में एक प्रॉब्लम है कि उनका शरीर जो है वो कवच से यू कैन सी प्रोटेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर पाता, तो वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना पड़ता है। तो लार्वा स्टेजेस भी स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं। ओके, इसके लिए उनको अपने कवच को बार बार निकालना पड़ता है, जिसको मोल्टिंग कहते हैं, एक डाइसिस कहते हैं, वो भी पॉइंट आएगा। मोलस्का में इनडायरेक्ट ये बाय लार्वल स्टेजेस है, फिर इकाइडोरमा में इनडायरेक्ट है बाय फ्री लार्वल स्टेज। फ्री लार्वल स्टेज मतलब ये पानी में एक ऐसे रिलीज कर दिए जाते हैं। ओके अंडरस्टूड। और हेमिकोडेटा में भी लार्वल स्टेजेस रहते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म। ओके चलिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे लोकोमोशन। यस, एनिमल की सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, कुछ एनिमल्स एक जगह पे फिक्स रहते हैं, उनको सेडेंट्री कहते हैं,
या नॉन मोटाइल या ससाइल कहते हैं, तो देखते हैं। तो पॉलीफेरा जो है दे आर सेडेंटरी या ससाइल बिकॉज दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम मतलब सपोर्ट। ओके, तो देखो सबस्ट्रेट का बहुत सारे मीनिंग होता है। ओके, कि जनरली उसको माना जाता है एक सपोर्टिंग एजेंसी मटीरियल जिसपे आप ग्रो करते हो। तो सबस्ट्रेट जिसमें आप ग्रो करोगे या अटैच हो गए या तो यू ओबटेन द न्यूट्रिएंट्स, ओबटेन द न्यूट्रिएंट्स। जैसे प्लांट के लिए देखो, प्लांट के लिए सॉइल इज अ सबस्ट्रेटम, क्योंकि सॉइल में वो ग्रो भी करता है, उसी के साथ अटैच भी रहता है, उसी से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो सबस्ट्रेटम इज ए जनरल टर्म। ओके, फिर सिलेंड्रा में जो पॉलिफ फॉर्म्स है, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म्स है, दे आर सेडेंटरी। और मेडुसा फॉर्म जो है वो अम्ब्रेला शेप रहते हैं, अम्ब्रेला शेप जो फ्री फ्लोटिंग है। ओके, तो टेंटिकल्स और उनके पास मसल्स होते हैं। ओके, मसल डेवलप हो गया। फिर टेनोफेरा के पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिया होता है जिसको कॉम प्लेट्स कहते हैं, इसके लिए इनको कॉम जेलीज भी कहते हैं। ओके, तो उनका बॉडी में अगर देखेंगे, अगर बॉडी है तो 8 इस तरह के कॉर्ड्स रहते हैं जिसमें सिलिया रहते हैं, और सिलिया के पैटर्न्ड मूवमेंट से वो मूव करते हैं। ओके, फिर प्लेटियल मेंटेक्स, इसका मतलब बॉडी वॉल है, मसल्स, बॉडी वॉल मसल्स, यानी कि बॉडी वॉल में जो मसल्स है उसी वो रेंगते हैं, दे कैन मूव। फिर उनके पास सकर्स होते हैं कुछ एनिमल्स के पास, जैसे आपके प्लेटियल मेंटेक्स के पास क्या होता है, सकर्स होते हैं, सकर के जरिए वो अटैच भी होते हैं और मूव भी करते हैं। ओके, लेकिन मोटिलिटी इन केस ऑफ प्लेटियल मेंटेक्स एस्केलेटल मेंटेक्स इज वेरी, तो यहां पे दे आर वेरी स्लो मूवर, स्लो मूव करते हैं। ओके, क्योंकि देखो जैसे सांप है वो भी अपने बॉडी के मसल्स के जरिए क्या है मूव करता है, लेकिन उसका जो मूवमेंट है ओके स्लगिश टाइप का होता है थोड़ा सा। ओके, इतना फास्ट, हाँ कुछ स्नेक्स तो बहुत तेजी से मूव करते हैं क्योंकि उनके बॉडी के मसल्स बहुत ज्यादा यू कैन सी स्ट्रांग रहते हैं। तो एनिलिडा में होते हैं मसल्स के साथ साथ यू कैन सी व्हाट, दो टाइप के मसल्स होता है, लेंथ वाइज मसल एंड सर्कुलर मसल्स। ओके, फिर स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक सीटे, पैरापोडिया एंड सकर। तो सीटे आर, देखो ये जो बॉडी है उनका उसमें से टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हैं सीटे, पैरापोडिया आर विंग लाइक स्ट्रक्चर, और सकर आर द यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर जिससे अटैचमेंट होता है या एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम को वो होल्ड करते हैं। सकर मतलब चूषक कहते हैं, जिससे वो किसी चीज को पकड़ लेते हैं, होल्ड फास्ट करते हैं। ओके, फिर आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा डेवलप किया, क्योंकि हर टाइप के अपेंडिजेस मिलते हैं, लेग्स डेवलप हुआ, पहला एनिमल जिसमें प्रॉपर लेग्स, ओके, विच कैन बी फोल्डेड, विच कैन बी बेंड, जिससे अल्टीमेटली बॉडी को लिफ्ट वो करा देते हैं, लिफ्ट करा दे भाई। ओके, और से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं। फिर विंग्स, इंसेक्टा ग्रुप जो है सबसे बड़ा ग्रुप, ओके, उसमें विंग्स भी डेवलप, तो वो उड़ भी पाते हैं। ओके, और इसकी वजह से सर्वाइवल एबिलिटी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज वेरी मच। इसके देखो ये जो सारे पॉइंट्स है ये मेरे नोट्स में, विजन बैच में जो हमने नोट्स बनाया है उसमें सब पॉइंट्स आपको दिखेगा, तो आपका नीट का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। फिर मोलस्क के पास होता है मस्कुलर फीट और उसके पास आर्म्स होते हैं, ओके, जिससे वो मूव करते हैं। देन इकोनोडर्मेटा के पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम, यही है मूवमेंट के लिए, मतलब पिचकारी जैसी। ओके, जैसे अगर आप बहुत सारे पाइप ले लो अपने हाथ में और उसका कनेक्शन आप कर दो किसी किसी होस पाइप ले लिया आपने, ओके, और समझो दो होस पाइप अगर मैंने अभी ऐसा पकड़ के रखा है और उसमें तेजी से अगर पानी बाहर निकलेगा तो मैं पीछे की तरफ मूव करूंगा बिकॉज ऑफ द यू कैन सी व्हाट प्रोपल्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो उसी मैकेनिज्म, सिमिलर टाइप के मैकेनिज्म से इकोनोडर्मा मूव करता है, और पानी जिस यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर से बाहर निकलता है उसको कहते हैं ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट कंट्रोल करता है कि किस स्पीड से पानी बाहर निकलेगा। ओके, यानी कि दीज आर द स्ट्रक्चर। तो बॉडी के लोअर साइड से ऐसे नोजल्स जैसे होते हैं, दे आर लाइक नोजल्स, और इससे जब पानी बाहर निकलता है तो डिपेंडिंग अपॉन किस पैटर्न से निकलता है द बॉडी इज एबल टू व्हाट मूव। ओके, फिर आपके पास हेमिकोडेटा के पास बॉडी वॉल मसल्स रहते हैं। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसे एनिमल लोकोमोट करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, अब ये है सम सेलियंट फीचर जिसको मैं फास्ट जाऊंगा। ओके, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो अभी इसके बाद में हम लोग स्लाइड देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ ईच ग्रुप। ओके, अंडरस्टूड, इसके बारे में डिटेल में एक एनसी मैंने विजन बैच में समझाया है, आप उसको सब्सक्राइब अगर करेंगे तो हर एनिमल टाइप को मैंने डिटेल में समझाया है, उसका आप यू कैन सी व्हाट लाभ ले सकते हैं बच्चे। ओके, चलिए स्पेशल फीचर्स में, पॉलीफेरा जो है नाम में पोर्स होते हैं बॉडी में, दो टाइप के, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। ऑस्टिया से पानी बॉडी के अंदर जाता है और फिर वो कैनाल सिस्टम से पास होके ऑस्कुलर से निकल जाता है और बॉडी बनता है सेल के झुंड से।
इंडिपेंडेंट सेल्स, जनरली ज्यादा करके सेल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तो बहुत ही कम डिविजन ऑफ लेबर पाया जाएगा आपका। फिर स्पिक्यूल्स, तो बॉडी को आधार दे, बॉडी इज ए लूज क्लस्टर ऑफ सेल, तो बॉडी को आधार देने के लिए इंटरनल नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको कहते हैं स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिंग फाइबर्स, जिससे बॉडी को सपोर्ट भी मिलता है। ओके, फिर आपका सिलेंडर के पास स्पेशल सेल्स होता है जिसको कहते हैं नाइडोबास्ट या निमेटोसाइट्स कहते हैं, जिनको स्टिंगिंग सेल की गलती से भी अगर इनको टच कर दिया तो आपको यू कैन सी आपका वो पार्ट सुन हो जाएगा या आपको शॉक जैसा लग सकता है। एंड That's why कुछ एनिमल्स जो है उनको यूज किया जाता था इन द एंशिएंट टाइम इन ऑर्डर टू यू कैन सी किल और यू कैन सी व्हाट अटैक द यू कैन सी एनिमीज। इसमें है फाइजालिया, इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। ओके, देन द बॉडी इज आइदर सिलेंड्रिकल पॉलिप या तो मेडुसा टाइप। ओके, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये नाइडोब्लास्ट है, निमेटोसिस्ट है, फिर आपका पॉलीफेरा का एक और यू कैन सी व्हाट इंपॉर्टेंट है, उनके बॉडी के अंदर जो पानी एंटर करता है तो पानी का एक फ्लो होना चाहिए, ऑस्टिया से पानी जाएगा कैनाल सिस्टम में और कैनाल सिस्टम से पानी ऑस्कुलर से बाहर निकल जाएगा। उसके लिए होते हैं चोएनोसाइट्स, तो स्पेशल यू कैन सी कॉलर सेल्स भी कहते हैं उनको, जो पानी के फ्लो को मेंटेन करता है या करंट, अभी करंट शॉक वाला करंट नहीं, तो करंट मतलब फ्लो। ओके, फिर आपका अगर तीनों फ्लोरा की बात करेंगे तो उनके पास होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट, तो ऑल द एनिमल्स दे शो बायोल्यूमिनेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके वजह से उनका नाम पड़ गया रोज ऑफ सिलिया। और नाइडोब्लास्ट की जगह पे उनके पास होता है स्टिकी ग्रैन्यूल्स, स्टिकी यू कैन सी व्हाट ग्रैन्यूल्स, जिससे वो अपने प्रे को फूड को पकड़ लेते हैं। तो सिलेंट्रेटा नाइडोब्लास्ट के जरिए अपने प्रे को पकड़ता है। ओके, और टिनोफोरा के पास उसकी जगह पे है आपका कोलोब्लास्ट। इसके लिए सिलेंट्रेटा को निडारिया भी कहते हैं, निडारिया, देखो निडल नाइडा, और टिनोफोरा को अनिडारिया भी कहते हैं, अनिडारिया। तो ये थोड़ा सा नीट वाला पार्ट आ गया आपको। ओके, तो सिलेंट्रेटा, क्योंकि देखो मैं आपको पहले बताया था कि टिनोफोरा पहले सिलेंट्रेटा के अंदर माना जाता था, बाद में मालूम पड़ा कि उसका फीचर जो है वो डिफरेंट है, उसके पास निमेटोसिस्ट नहीं होते। ओके, फिर प्लैटिहेल्मिंथस के पास देखो फ्लेम सेल्स, स्पेशल सेल जो बॉडी के वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, सकर्स और हुक्स तैयार होते हैं, एक्सक्रीटरी पोर, पहली बार एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हुआ, इसके लिए वो यूनिक है। एस्केरमेंथस के पास कंप्लीट गट मस्कुलर फैरिंग्स होता है, और फिर फर्स्ट यूनिसेक्सुअल एनिमल और एक्सक्रीटरी ट्यूब डेवलप होता है। ओके, फिर आपका एनिलिडा के पास है नेफ्रिडिया, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम, पैरापोडिया सीटे, सकर पहला एनिमल जिसमें अभी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट हुई। ओके, वो आपका है एनिलिडा। फिर आर्थ्रोपोडा के पास है जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटीन का एक्सोस्केलेटन, फिर मालफिजन ट्यूबुल एक्सक्रीशन के लिए, और सेंसरी ऑर्गन वेल डेवलप, पहला एनिमल जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी डेवलप हुए, और दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप सबसे ज्यादा एडवांस किया, क्योंकि एनिमल के पास देखो दो फंडामेंटल काम है ना, कि भाई खाना आपको खाना है और आपको मूव करना है, क्योंकि खाना खाएंगे तो उसके लिए मालूम पड़ जाए खाना है किधर, तो जब तक आपके पास बहुत अच्छा सेंस ऑर्गन नहीं होगा तो आप खाने को लोकेट नहीं कर सकते, और अपने इन्वायरमेंट को आप आसानी से क्या है डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, अपने एनिमीज को डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, और जब तक आप डिटेक्ट नहीं करोगे आसानी से तब तक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे या बच नहीं पाओगे। तो आर्थ्रोपोडा इसके लिए सबसे एडवांस्ड ग्रुप इसके लिए है, नॉन कोऑर्डिनेटा में सबसे एडवांस ग्रुप इसके लिए, क्योंकि इट हैज अ यू कैन सी लोकोमोटरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के पास है, नर्वस सिस्टम एस्टेब्लिश है, और साथ में आपका यू कैन सी वॉट आपका बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए काइटिन है। ओके, और इसकी वजह से आर्थ्रोपोडा ग्रुप बहुत ही एडवांस्ड है। देन मोलस्क के बाद माउथ में होता है टीयरिंग ऑर्गन, इसको रेडुला कहते हैं, मस्कुलर फीट रहता है, फिर कुछ एनिमल्स के पास होते हैं आउटर या इनर शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, कैलकेरियस शेल्स, और फिर एक है कि बॉडी जो है इट इज ट्विस्टेड, जो लोग शेल्स में रहते हैं ट्विस्टेड बॉडी, तो शेल का जो शेप होता है स्पाइरल शेप होता है, तो उसकी वजह से बॉडी जब इस शेप के आते हैं आपको एडजस्ट करता है तो उसकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है या ट्विस्ट हो जाता है, तो बॉडी जो है मेन जो बॉडी है वो ट्विस्टेड फॉर्म में शेल्स के अंदर प्लेस किया जाता है। ओके, विकानोडर्मा के पास क्या है स्पाइनी स्केलेटन, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो सबसे यूनिक है, क्योंकि इसी वजह से बाकी के सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लेकिन इतना वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम के जरिए बॉडी के हर पार्ट को फूड मिल जाता है, एस्क्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। ओके, फिर ट्यूब फीट होता है फॉर लोकोमोशन,
फिर आपके हेमोकोडेटे के पास जो फीचर है प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, गिल स्लिट्स होते हैं विच इज द कॉर्डेट, फिर बक्कल डायवर्टिकुलम जो नोटोकॉर्ड जैसा होता है। इसके लिए उसको पहले हम लोग देखेंगे, पहले इस स्ट्रक्चर को पहले नोटोकॉर्ड माना जाता था, ओके, बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये नोटोकॉर्ड नहीं है, तो वापस चले जाओ अपने एकेंसी वार्ड नॉन कॉर्डेटे ग्रुप में, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स, ओके। चलो बच्चों, अब इसके बाद में अभी फटाफट हमने जो स्लाइड्स अभी आपको दिखाऊंगा मैं, उसमें हम लोग की फीचर्स, तो इधर आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, आप इसका वैकेंसी स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपके पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे, ओके, और एक रिवीजन जैसा भी आपका हो जाएगा, ओके। इसमें से जो स्पेशल फीचर्स है हर ग्रुप का उसको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ओके। चलिए तो पहले देखते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा पोरस बॉडी, देखो ये सब आपके लिए, देखो अभी आप वैकेंसी वार्ड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल दिया भाई साइफा, साइकॉन, यूफोंजिया, बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर, वीनस फ्लावर बास्केट, ओके, फिर हैबिटेट। देखिए सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, तो जो पॉइंट अभी एडिशनल रहेगा उसी को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ अभी। तो उसको स्पॉन्जेस भी कहते हैं, ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल है, ओके, जो असिमेट्रिक, ज्यादा करके असिमेट्रिकल होते हैं। कुछ जो होते हैं वो होते हैं आपका रेडियल, कुछ रेडियल सिमेट्री वाले भी रहते हैं, ओके। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए बहुत ही कम डिवीजन ऑफ लेबर है, ओके, क्योंकि जनरली अगर सेलर होगा तो हर सेल ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ काम के लिए अमीबोसाइट्स पे डिपेंड करना पड़ता है कि अमीबोसाइट्स जो है वो अपना फूड को कैप्चर करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे और वो न्यूट्रिएंट्स आजू बाजू के दूसरे सेल्स को मिल जाता है। तो लिटिल यू कैन सी व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर जरूर है, ओके। फिर हेंस देयर बॉडी इज कंसिडर्ड एज ए कॉलोनी ऑफ डिफरेंट व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके लिए इस टाइप के बॉडी प्लान को सेल एग्रीगेट कहते हैं, ओके। तो ये हो गया सबसे पहला सिंपलेस्ट टाइप का एनिमल, ओके। चलिए तो दूसरे पॉइंट देखो, ये सब एक्वाटिक है, ओके। चलो ये है आपका डायग्राम स्पॉन्जिला, ये है यू स्पॉन्जिया और ये है आपका साइकॉन, ओके। और साइकॉन को आपका देखो टेक्स्ट बुक में उसका डायग्राम दिया हुआ है साइकॉन का। तो बॉडी कैसा है, देखो बॉडी आपको दिख रहा है पोरस, ओके, पोरस बॉडी है क्योंकि ये जो पोर छोटे छोटे पोर है, ओके, बॉडी में जो छोटे छोटे पोर आपको दिख रहे हैं, ओके, इसमें भी छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, इसी पोर से पानी अंदर जाता है और ये बड़ा पोर जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा पोर, ओके, ये छोटे पोर से और ये बड़े पोर को हम लोग कहते हैं ऑस्क्यूला, इसको ऑस्क्यूला कहते हैं, ओके। चलो तो दे आर ऑल सेडेंटरी एनिमल्स, फिक्स रहते हैं, ओके। तो बॉडी ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसको मैं डायग्राम से अभी आपको बताता हूं। तो बेसिक पोरीफेरा का बॉडी कैसा है कि अगर कट सेक्शन में आप पोरीफेरा का बॉडी को दिखाएंगे तो दिस इज द वे द पोरीफेरा बॉडी विल लुक लाइक। ये आपका यू कैन सी बेस है, तो बॉडी जो है उसमें सरफेस में छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको कहते हैं ऑस्टिया, दे आर ऑस्टिया, और ये ऑस्टिया अंदर की तरफ जो है ट्यूब सिस्टम के साथ ज्वाइन रहता है। ये जो ट्यूब सिस्टम है इसी को कहता है कैनाल। तो दे कैन भी देखो सिंगल हो सकते हैं, कुछ केस में नेचुरली कैनाल सिस्टम ब्रांच भी होते हैं, ऐसे ब्रांच रहेंगे, ओके, अंडरस्टूड, लाइक दिस। और इसी कैनाल के आसपास रहते हैं अमीबोसाइट्स रहते हैं, मेन अमीबोसाइट्स, ओके। तो पानी जाता है अंदर थ्रू द पोर्स, और जब पानी इस कैनाल से पास हो रहा होता है तो ये अमीबोसाइट्स है वो फूड को कैप्चर कर देगी, जस्ट लाइक अमीबा, ओके। तो अंदर का जो स्पेस है, स्पेस में पानी जो है कलेक्ट हो जाता है, इसको स्पॉन्जोसील कहेंगे। फिर जो पानी का फ्लो है ये मेंटेन करता है, जो इनर साइड में जो आपका सरफेस है उसमें होते हैं स्पेशल सेल्स। तो स्पेशल सेल आपको दिखेगा ऐसा लाइक दिस, जिसके पास फ्लैजेला होता है। तो दिस इज अ सेल जिसके पास फ्लैजेला जैसा है, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है, और ये फ्लैजेला का जो बीटिंग है इट इज टुवर्ड्स द अपवर्ड यू कैन सी होल, इसी होल को हम लोग कहते हैं ऑस्क्यूला, ओके। तो इसके लिए देखो ये जो बॉडी है एकदम सिंपल है, पानी बाहर से ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है, अंदर वो कलेक्ट होता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो पानी अंदर आ रहा है उसी में न्यूट्रिएंट्स, फूड, ओके, ऑक्सीजन वगैरह सब बॉडी को मिलेगा, और जो वेस्ट बॉडी ने तैयार किया होगा उसी पानी से फिर ऑस्क्यूला के थ्रू क्या है निकाल दिया जाता है, ओके। और फिर बॉडी को सपोर्ट करने के लिए क्या है, तो बॉडी एकदम लूज क्लस्टर ऑफ सेल है, तो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए नीडल्स रहते हैं, पूरे बॉडी के अंदर नीडल का एक एकेंसी वार्ड अरेंजमेंट रहता है। इन नीडल्स को स्पिक्यूल्स
नहीं तो स्पॉन्जिन फाइबर्स, कुछ केस में एक्चुअली वो हार्ड रहते हैं, रिजिड है, तो उसको स्पिक्यूल्स कहते हैं, ओके सॉरी, तो स्पिक्यूल्स बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, नहीं तो आपका सिलिका का, ओके और स्पॉन्जिन फाइबर जो है वो प्रोटीन्स का बनता है, ओके चलिए तो देखिए ये दिख रहा है आपका डायग्राम, ओके तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम, तो बॉडी होल से अंदर गया और फिर अंदर से नेचुरली पानी बाहर निकल जाता है थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड वॉल्ड ऑस्क्यूलम, ओके चले तो ये है देखो एकदम ट्रांसपेरेंट ऑलमोस्ट यू कैन सी यू प्लेक्टा, ओके जिसमें छोटे छोटे पोर्स जो आपको दिख रहे हैं दे आर ऑस्टिया, और जो बड़ा ओपनिंग आपके सरफेस पे इधर दिख रहा है वो है आपका वॉट ऑस्क्यूला, ओके तो दिस इज वेरी यूनिक ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट यू कैन सी पॉलीफर आपको दिख रहा है, ओके चलिए तो दीज आर द पॉइंट्स, तो वाटर जो है कैनाल सिस्टम के जरिए बॉडी के अंदर जाता है, ओके और जब ये पानी उस कैनाल सिस्टम से अंदर जाता है तो एनिमल बॉडी फूड को एब्जॉर्ब करता है या खा लेता है, एक्सक्रीटरी गैसेस को एक्सचेंज करता है अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, और स्पॉन्जियस सेल जो कैविटी अंदर का उसके लिए स्पेशल चोएनोसाइट्स है उसको कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ओके और यही वाटर करंट को मेंटेन करता है, ओके डाइजेशन इंट्रासेलुलर ये भी देख लिया, एंड बॉडी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं सिलिका नहीं तो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स नहीं तो स्पॉन्जियन फाइबर्स, ओके जो प्रोटीन से बनते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऐसे फर्क देखना है, तो जिनका बॉडी थोड़ा रिजिड रहता है वो होता है बिकॉज ऑफ द स्पिक्यूल्स, तो कैल्शियम नहीं तो सिलिका मटेरियल का बनता है, और जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है वो प्रोटीन मटेरियल से बनते हैं, प्रोटीन फाइबर से बनते हैं, उसको स्पॉन्जियन फाइबर्स कहते हैं, इसके लिए ऐसे जो आपके स्पॉन्जेस हैं उनको बाथ स्पॉन्ज, यानी कि आपको मालूम है कि नहाने के टाइम पे हम लोग स्क्रबर यूज करते हैं, तो जब स्पंज नहीं होता था या आपका एक एनसी वॉट आपका फोम नहीं होता था तब इन्हीं मटर को यूज किया जाता, आज भी किया जाता है, ओके चल फिर रिप्रोडक्शन का भी होता है, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड और असेक्सुअल मेथड, फ्रेगमेंटेशन गैमेट फॉर्मेशन, उनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, ओके और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको मालूम है फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, ओके तो दीज आर द पॉइंट, ये सब आप एक एनसी आप नोट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम सिलेंट्रेटा, अभी पहले बताता हूं फाइलम सिलेंट्रेटा बेसिकली क्या कि सेम पोरिफेरा का बॉडी अगर आप लेंगे कट सेक्शन में तो यहां पे क्या हो गया कि पहला एनिमल बॉडी बना जिसमें बॉडी अभी दो लेयर्स का है, ये हो गया अंदर का लेयर और ये है आउटर लेयर, बन गया ऐसा, तो आउटर लेयर हो गया बॉडी वॉल जो एक्टोडर्म का बनता है, अंदर वाला लेयर जो है वो है डाइजेस्टिव बैग, वो डाइजेस्टिव बैग है, ओके तो एक ओपनिंग आपको दिख रहा है, इसी ओपनिंग से देखिए क्या निकलता है, ट्यूब सिस्टम भी निकलता है ऐसा, ट्यूब सिस्टम ओपनिंग की तरफ, इसको कहते हैं टेंटिकल्स, और ये फिर हो गया माउथ, ओके तो ये जो अभी बॉडी डिजाइन दिख रहा है ये जनरली जमीन में फिक्स रहता है, इसको पॉलिप कहते हैं, क्या कहते हैं पॉलिप, या इसको सिलेंड्रिकल टाइप का बॉडी कहते हैं, ओके और फिर ये जो बॉडी वॉल है इसको एक्चुअली बाइंड किया गया है विद डाइजेस्टिव बैग विद द हेल्प ऑफ मिडल लेयर जिसको मीजोग्लिया कहते हैं, ओके तो इसके देखें क्योंकि बॉडी वॉल जो है वो एक्टोडर्म से बनता है, डाइजेस्टिव ट्यूब एंडोडर्म से बनता है, इसका मतलब ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक, ये सब पॉइंट्स हमने देख लिए थे, ओके और ये जो माउथ है ये थोड़ा सा डिप्रेस रहता है, इसके लिए हाइपोस्टोम भी कहते हैं, इसको हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, दिस इज हाइपोस्टोम, ओके जो माउथ और एनस दोनों का, तो पानी अंदर जाएगा, पानी के थ्रू ही फूड जाएगा अंदर और फिर वो डाइजेस्ट होके जो वेस्ट है उसी माउथ से बाहर निकल जाता है, ओके टेंटिकल से नेचुरली फूड को कैप्चर किया जाता है, लोकोमोशन के लिए भी यूज करता है क्योंकि ये जो फॉर्म है ये अगर अपने बॉडी को शिफ्ट करना चाहे तो टेंटिकल से ही, जैसे आपने एग्जांपल, ये एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हाइड्रा है, आपने देखा ना ये हाइड्रा का बॉडी ले लेंगे ये टेंटिकल से, तो अगर उसको मूव करना है तो वो बेंड होता है, टेंटिकल्स को जमीन के साथ अटैच करता है और फिर वो समर सॉल्ट करके अपने बॉडी को शिफ्ट कर देता है, ओके अंडरस्टूड लाइक दिस। फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज इन एनिमल्स में जो होती है वो है प्रेजेंस ऑफ स्पेशल यू कैन सी व्हाट सेल्स ऑन द टेंटिकल, मेनली टेंटिकल्स पे बहुत ज्यादा स्पेशल सेल्स होते हैं, ये सेल्स एकदम आपको मालूम है जो स्प्रिंग वाला बॉक्सिंग ग्लोव जैसा होता है, ओके
ये सेल है, इसको कहते हैं हम लोग स्टिंगिंग सेल। तो स्टिंगिंग सेल के अंदर एक स्पेशल यूनिट रहता है, इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये यूनिट है, इसके साथ स्प्रिंग अटैच। यहां पे होता है सेंसरी ब्रिसल और यहां पे कैप होता है, ये कैप है, कैप। तो गलती से अगर इस कैप को किसी चीज ने टच कर दिया या ये सेल अगर किसी सरफेस के साथ टच हो जाता है, कैप ओपन होता है और ये जो अंदर का स्पेशल स्टिंगिंग यूनिट है जिसको नेमाटोसिस्ट कहते हैं, वो शूट आउट होता है। जब वो शूट आउट होता है तो नेचुरली वो उस ऑर्गन जो सरफेस के साथ अटैच है घुस जाता है उसके अंदर, ओके। और साथ में अंदर होता है टॉक्सिन केमिकल जो पैरालिसिस भी कर देते हैं, तो इस तरह वो अपने आपको बचाते भी है, ओके। अगर उन पर अटैक हुआ है उसको कोई दूसरा एनिमल खाने की कोशिश करता है तो इसी स्टिंगिंग सेल से वो चुबो देता है, उसके बॉडी में स्टिंग करता है, ओके। और अगर अपने प्रे को पकड़ना है तो ये स्टिंगिंग सेल से वो अपने प्रे, ये जो टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है टर्मिनल फाइबर, इसी जो अपने जो है जो फूड है उसको वो कैप्चर भी करते हैं। कैप्चर करने के बाद ये टेंटिकल क्या करेगा, उस फूड को माउथ की तरफ लाता है और फिर डाइजेस्टिव ट्यूब उसको क्या है डाइजेस्ट कर देता है, ओके। तो ये हो गया आपका पॉलीपटाइप। इसी का दूसरा फॉर्म जो है, दूसरा फॉर्म वो है फ्लोट करने वाला फॉर्म, ओके। जो अमरेश है ये है आपका माउथ, और माउथ के आसपास से निकलते हैं व्हाट, आपके टेंटिकल्स लाइक दिस। तो इसको कहते हैं हम लोग मेड्यूसा टाइप, फ्लोटिंग टाइप, ओके। और कुछ केस में तो इसका ये जो एग्जांपल है ये आपका है फाइजालिया का, ओके, फाइजालिया के। तो इसके जो ये टेंटिकल्स है, इन टेंटिकल्स में ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स। इसके लिए फाइजालिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, ओके, इन वॉर इट वॉज यूज। तो फालेंसिंड्रा, हाइड्रा, ओलेरिया, ऑरेलिया, सॉरी, ओके, ऑरेलिया इसके लिए क्योंकि ये शाइन करता है, इट ऑल्सो शाइन्स, इसके लिए इसको ऑरियल कहते हैं, इसको जेली फिशेस भी कहते हैं, ओके। फिर फाइजालिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, डैम्सिया है, सी एनिमोन, बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, ओके, ब्रेन कोरल्स। फिर कोरल्स आपको मूंगा के जो आपके एक इंसिवार्ड बेड्स होते हैं सी में, वो भी एक प्रकार के क्या है, सिलेंड्रेटा है। इसमें बॉडी जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट का सपोर्ट मिलता है, इसके लिए बॉडी थोड़ा सा हीकेंसी हार्डिश होता है, प्रोटेक्टिव होता है, ओके। फिर सी पेन है, ब्रेन कोरल्स है, तो उसका ब्रेन कोरल्स कहते हैं कि सरफेस पे जो पैटर्न है वो हमारे ब्रेन के जो फोल्ड है उसकी तरह दिखते हैं, ओके। तो देखो एक्वाटिक पॉइंट्स देखिए, तो ज़्यादा करके मराइन है, कुछ फ्रेश वाटर है, फ्री स्विमिंग, ससाइल मतलब फिक्स वाले, उनके पास भी रेडियल सिमेट्री है, कुछ डिप्लोब्लास्टिक है, देन यू कैन सी, हाँ, दे शो रेडियल सिमेट्री, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, उनके ब्लाइंड सैक। फिर एनिमल में दो फॉर्म होता है, पॉलिप शेप और आपका यू कैन सी व्हाट, मेडूसा वाला टाइप, ओके। चलिए तो ये है देखिए आपका हाइड्रा, चलिए क्या नाम लग रहा है आपको देखते हैं। तो ये है आपका हाइड्रा, ये है ऑरेलिया, ये है फाइजेलिया, ओके। फिर एडम्सिया, इसी को हम लोग कहते हैं सी एनिमोन, इसी को सी एनिमोन कहते हैं। ये डिप्लोरिया देखो है ना, आपका ब्रेन जैसा पैटर्न दिख रहा है, ब्रेन के सरफेस जैसा, फिर गॉर्गे फैन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके। चलिए ये आपका टेक्स्ट बुक कहते हो, टेक्स्ट बुक में ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम, ये है ऑरेलिया और ऑरेलिया का बॉडी पैटर्न। तो ये है आपका आपका माउथ और ये है आपका कैविटी। जो कैविटी है इसको कहते हैं गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी। गैस्ट्रो क्यों? क्योंकि इसके अंदर फूड डाइजेस्ट होगा और उसी के अंदर देखो पानी बाहर से अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है, तो इसी पानी के थ्रू फूड भी आता है और जो वेस्ट बॉडी को बाहर निकालना है वो भी वेस्ट निकल जाता है, ओके। तो सेम गैस्ट्रोवैस्कुलर। तो ये जो है ये है आपके टेंटिकल्स है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के टेंटिकल, ये बाहर वाले टेंटिकल्स, ये भी टेंटिकल्स है, ओके, प्रोड्यूस होते हैं, ओके। और ये हो गया आर्म, माउथ के आसपास जो स्ट्रक्चर निकलते हैं आर्म, वो फूड को कैप्चर करने के लिए होते हैं, ओके। तो ये जो एग्जांपल है ये आपका है सी एनिमोन, दिस इज सी एनिमोन। ये जो माउथ है इस माउथ को कहते हैं हाइपोस्टोम, ओके। तो बहुत सारे यहां पे टेंटिकल्स दिख रहे हैं आपको, ओके। तो यहां पे देखो ये मार्जिनल, यू कैन सी मार्जिनल, यू कैन सी टेंटिकल्स है, स्मॉल टेंटिकल्स है। और इलिया का ये आपके आर्म्स है, चार आर्म्स होते हैं, चार आर्म्स, ओके। तो सबको डिटेल में यू कैन सी, मैंने अपने नोट्स में भी इसका ड्रॉइंग किया है, ओके। देखो ये आपका सी एनिमोन, सी एनिमोन के साथ देखो एक मछली रहती है, ओके। तो सी एनिमोन
जो है इट एक्ट्स एज ए होम फॉर मेनी कैन सी व्हाट फिशेस आल्सो। और ये है आपका देखिए जेली फिश, दिस इज द जेली फिश। ओके तो अभी मैंने बताया तो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन। बॉडी कैविटी सर्कुलेशन और डाइजेशन दोनों का काम करता है, इसके लिए उसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, सेलेंटेरॉन कहते हैं विद ए हाइपोस्टोम। ओके तो टेंटिकल्स के पास होता है स्पेशल नाइडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल, जिसके पास एक यूनिट होता है जो शूट आउट होता है अगर उसको स्टिमुलेट किया जाए तो, एंकरेज मतलब पकड़ने के लिए भी काम होता है, ऑफेंस और डिफेंस करने के काम आता है। ओके तो ये है आप जो मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था, दिस इज द यू कैन सी व्हाट इंटायर सिंगल यूनिट, उसके अंदर आपको दिख रहा है ये है आपका नाइडोब्लास्ट। ओके सॉरी ये पूरा स्ट्रक्चर नाइडोब्लास्ट है और ये जो यूनिट आपको दिख रहा है दिस इज द नेमेटोसिस्ट, और यही देखो ये शूट आउट हो गया। ओके शूट आउट हो गया, उसके ब्रिसल्स ये जो है अल्टीमेटली जो प्रे है या जो अटैक करने वाला है उसके बॉडी में घुस जाते हैं, और ये जो हॉलो थ्रेड ट्यूब है इससे वो अपने प्रे को पकड़ लेता है। ओके होल्ड फास्ट करता है। ओके So this is the way the function. So tentacles जो है tentacles के surface में you got what? Nidoblast. Nidoblast के अंदर nematocyst है और वो shoot out हो गया और अपने prey को उसने देखो क्या कर लिया है, पकड़ लिया। और जो ये आपका tube है इसके through भी छोटे छोटे क्या है bristles निकलते हैं, stings निकलते हैं जो पकड़ लेते हैं body को। Okay? तो single unit जो है उसको nidocyte कहते हैं, this is nidocyte या cyst कहते हैं। Okay? जो अंदर होता है तो उसको cyst कहते हैं, nematocyst। रिप्रोडक्शन दोनों मेथड है, असेक्सुअल सेक्सुअल, असेक्सुअल बडिंग रीजनरेशन, सेक्सुअल नेचुरल गैमेट फॉर्मेशन, बाइसेक्सुअल होते हैं हर्मोफ्रोडाइट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी को मोनोइशियस कहते हैं ना, मोनोइशियस याद रखो फिर से हो रहा है आपका। फिर कुछ में अल्टरनेशन जनरेशन होता है, पॉलिप वाला स्टेज आपका मेडूसा वाला स्टेज डेवलप करता है। ओके तो इस स्पेशल फिनोमेनो को कहते हैं मेटाजेनेसिस। ओके तो यहां पे देखिए पॉलिप क्या है, पॉलिप मेडुसा को बनाता है बाय असेक्सुअल मेथड एंड मेडुसा पॉलिप को बनाता है बाय सेक्सुअल मेथड। एग्जांपल उसका है ओबेलिया, ओबेलिया दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके चलिए तो दिया है आपका लाइफ साइकिल, इसको आप स्टडी कर लेना, इसका पिक्चर देख लिए। तो यहां पे आपको जो दिख रहा है ये पॉलिप स्टेज है, पॉलिप स्टेज से देखो आपका मेडुसा निकल रहा है फीमेल वाला और आपका मेल वाला। तो आपका मेल वाला जो है स्पर्म तैयार करता है फीमेल एग, तो फर्टिलाइजेशन देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, एक्सटर्नल आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके और फिर टू सेल जायगोट बन के एक स्टेज बनता है ब्लास्टुला, उससे बनता है प्लैनुला लार्वा, और इस लार्वा जहां पे एस्टेब्लिश होता है वहां पे फिर पॉलिप स्टेज तैयार होता है। तो ये पॉलिप स्टेज तैयार हो गया। ओके और पॉलिप स्टेज से फिर देखो यहाँ पे डेवलप हो रहा है आपका मेडुसा स्टेज डेवलप हो रहा है। ओके तो पॉलिप से ही मेडुसा स्टेज क्या है डेवलप हो जाता है। चलो नेक्स्ट इज टीनोफोरा। तो टीनोफोरा जो है उसके दो एग्जांपल है प्लूरोब्रैंकिया टीनोप्लाना, तो उनको कॉम जेलिस सी वॉलनट भी कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव मराइन फ्री स्विमिंग एनिमल्स, क्योंकि उनके पास होता है आपका कॉम्प्लेक्स, तो ये डिप्लोब्लास्टिक रेडियली सिमेट्रिकल है, ब्लाइंड सेक सेम, फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लोकोमोशन इज बाय 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, इसके लिए उनको कॉम जेलिस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दे ऑल प्रोड्यूस लाइट बायोल्यूमिनेसेंस, तो दे शो सेम एक्स्ट्रा इंटरनल डाइजेशन, सेम आपका सिलेंडर टाइप जैसा ही है। रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल, इनमें खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल मेथड यूज नहीं करता है। फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन इज व्हाट एक्सटर्नल, फिर नाइडोब्लास्ट इज एब्सेंट, इसके लिए इनको अनिडारियंस कहते हैं। ओके और उनके पास स्पेशल सेल होता है कोलोब्लास्ट, तो स्टिकी सेल्स होते हैं जो अपने प्रे को पकड़ लेते हैं। ओके गमी मटेरियल, अब ये इंपॉर्टेंट है, टीनोफोरा में बहुत ही कम यू कैन सी व्हाट स्पीशीज पाए जाते हैं या वैरायटीज पाए जाते हैं, इसके लिए उसको माइनर फाइला कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपके टोटल 11 फाइला है उसमें से आपका टीनोफोरा इज कंसिडर्ड टू बी स्मॉल ग्रुप। ओके देखिए ये है आपका नाइडोब्लास्ट ओनली फॉर एयरफ्लस, और ये है प्लू ब्रैंकिया, एक्चुअल पिक्चर आपको ये दिख रहा है, देखिए ये समोसा से निकाल, ये प्लूरोब्रैंकिया है आपका। ओके जेली जैसा दिख रहा है ना आपको, और ये है आपका रात के टाइम पे अगर इसको देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको देखो कितने आपका दिखे, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, तो आठ यू कैन सी व्हाट
प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें से सीलिया निकल रहा है, ओके। और इसी सीलियरी स्ट्रक्चर्स में लाइट भी प्रोड्यूस होता है, और दो टेंटिकल आपको दिख रहा है, ये एक टेंटिकल, ये दूसरा टेंटिकल, तो इधर भी दिख रहा है आपको, ओके। ये है प्लूरोब्रैंकिया, वेरी यू कैन सी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप का आपका टिनोफोरा। चलिए नेक्स्ट इज प्लैटीहेलमिंथस, पहला एनिमल जिसमें बॉडी अभी जमीन पे आके रहने की कोशिश की, और एनिमल के बॉडी में तो बॉडी हो गया चपटा, ओके, फ्लैट एकदम रिबन जैसा। तो प्लैटीहेलमिंथस फ्लैट वर्म्स कहते हैं, प्लैनेरिया है, टीनिया, फ्रेस्कुला, तीन स्पेशल एकेंसी ग्रुप है इसमें, ओके। तो बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, यानी कि अगर आप इन एनिमल को ऊपर से देखोगे, ऊपर से ये एनिमल आपको ऐसे देखेंगे, जैसे ये एग्जांपल मैंने प्लैनेरिया का दिया, ये प्लैनेरिया का एग्जांपल है, दिस इज प्लैनेरिया। लेकिन इसी प्लैनेरिया को अगर आप जमीन पे देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा लगेगा, उस लकीर जैसा ही, ओके, या किसी ने चौक से एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसा दिखेगा। तो प्लैनेरिया आप देख सकते हो, अगर आप किसी भी कैसी आउटस्कर्ट्स में जाओगे, कोई पत्थर है उसको अगर आप मूव करते हो तो बहुत सारे वर्म्स भी दिखेंगे, लेकिन साथ में उस पत्थर के साथ आपको दिखेंगे एक ऐसी लाइन रेड कलर का, अगर आपको छोटा सा 5 सेंटीमीटर से छोटा एक ऐसी अगर आपको एक सेगमेंट जैसा दिख रहा है, मतलब वो प्लैनेरिया हो सकता है, जस्ट देखो, ओके। उधर आपको दो आंखें दिख रही होंगी डार्क रेड कलर की या ब्राउन कलर की, और वो मूव करेगा, मतलब वो प्लैनेरिया है। वो प्लैनेरिया बहुत ही कैसी वॉट लाइट से उसको क्या है एलर्जी होती है तो वो लाइट से दूर भागता है, ओके। तो ये आपका लाइट स्पॉट्स है, या आई स्पॉट्स भी कहते हैं, जो लाइट को डिटेक्ट करके अल्टीमेटली उससे दूर भागता है, ओके। इसके देर लिव इन द डार्क यू कैन सी एनवायरमेंट। फिर तो एनिमल असिलोमेट है, सिलोम नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पहला एनिमल जिसमें तीन लेयर्स हो गए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उसमें ऑर्गन पहली बार डेवलप हुआ है, बायोलेटरल सिमेट्री है ऐसी, ठीक है ना। फिर ज्यादा करके एंडोपैरासाइट्स, कुछ फ्री लिविंग, जैसे प्लैनेरिया जो है वो आपका फ्री लिविंग है, और जो पैरासिटिक फॉर्म होता है उनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं ताकि वो अपने होस्ट के बॉडी के साथ अटैच हो जाए, ओके। और होस्ट के अंदर अपने आप को बचाने के लिए बॉडी को एक स्पेशल मटेरियल से प्रोटेक्शन मिलता है, उसको क्यूटिकल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए अब देखो, ये तीन एग्जाम्पल आपका, ये है आपका लिवर फ्लूक, ये है लिवर फ्लूक। तो लीवर फ्लूक इसके लिए कहते हैं क्योंकि देखो, लीवर का मतलब होता है चपटा, ओके, अनस्टोर्ड। और मजे की बात है कि अगर आपके बॉडी में अगर वो एंटर करता है तो जनरली बहुत सारे ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, लीवर को भी अटैक करता है, ओके। तो ये आपका टेपवर्म, दिस इज योर टेपवर्म, और ये आपका प्लैनेरिया, ओके। तो देखो एक्चुअल पिक्चर, ये एक्चुअल एकेंसी उनका पिक्चर दिख रहा है आपको, ओके। देखो ऐसा आपको दिखेगा प्लैनेरिया, और ये जो दिख रहा है दिस इज एक्सिलेटरी पोर, ये आपके दो आंख है उसके, ओके। चलिए तो दिस इज द डायग्राम विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, ये है आपका यू कैन सी व्हाट माउथ, और माउथ के आसपास होता है ओरल सकर, ये ओरल सकर है। फिर ये है आपका वेंट्रल सकर। तो बॉडी को अगर अंदर से देखेंगे तो छोटा सा डाइजेस्टिव बैग रहता है, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर रहता है, एक्सक्रीटरी पोर, और स्पोर के थ्रू जो है अंदर अंदर की तरफ अगर पोर से देखेंगे ट्यूब सिस्टम रहेगा, और ट्यूब के साथ जुड़े होते हैं आपके फ्लेम सेल्स, तो स्पेशल सेल्स ऐसे रहेंगे, तो ये सेल्स है। तो अगर सिंगल सेल को दिखाओगे तो ये सिंगल सेल का मेन बॉडी, और उसमें से अल्टीमेटली इस टाइप का पैटर्न दिखता है, तो लग रहा है ना कि आग लगी हुई है, इसके लिए ऐसे सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं, फ्लेम सेल्स, ओके। इसका काम है कि जो आपका बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करना, और इस ट्यूब से फिर बॉडी के बाहर निकाल देना। तो ये है आपका एक्सक्रीटरी ट्यूब, और ये एक्सक्रीटरी वॉर्ड पोर, ओके। तो पहला एनिमल बॉडी जिसमें एक्सक्रीट सिस्टम डेवलप हुआ, ये आपका है टेप वर्म। तो टेप वर्म हैज अ हेड लाइक रीजन, हेड को अगर इनलार्ज करेंगे, इनलार्ज करेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा आई कैन सी व्हाट सकर्स, और फिर बॉडी जो है बडिंग के जरिए क्या है इलोंगेट होता रहता है, और छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाता है। इसमें शुरुआत को जो सेगमेंट होते हैं वो इमैच्योर होते हैं, इन सेगमेंट्स को प्रोग्लॉटिड कहते हैं, उसके बाद में मैच्योर होते हैं, मैच्योर मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, और जब अंदर
लार्वा तैयार होता है, एग और लार्वा तैयार हो जाता है तो उसको कहते हैं ग्रेविड, मतलब पेट से है, ओके, प्रोग्लॉटिड कहते हैं। और उनका बॉडी क्या है, ब्रेक हो जाएगा। देखो ये टेप वर्म कैन बी लॉन्गर देन द इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही रहते हैं, ओके, अंडरस्टूड। अगर आप इन्फेक्शन हो गया, ओके, तो अल्टीमेटली प्रोग्लॉटिड जो ब्रेक होके इनके जो अंडे है एक्सक्रीटरी ओपनिंग से हमारे, मतलब जिस एनिमल को इन्होंने इन्फेक्ट किया है, ह्यूमन के साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, ओके, वो निकल जाएगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली एब्सेंट होता है जो पैरासाइटिक फॉर्म होता है, लेकिन फ्री फॉर्म में आपका ब्लाइंड सैक पैटर्न रहता है, ओके। फिर एनिमल के पास फ्लेम सेल्स होते हैं जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, इसी से एक्सक्रीशन ऑस्मोसिस होगा, ये एनिमल सब हर्मोफ्रोडाइट है। देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन, क्योंकि अपने अपने टेप वर्म में क्या देखा, एक सिंगल प्रोग्लॉटिड के अंदर ही टेस्टिस और ओवरी तैयार हुआ, और टेस्टिस से स्पर्म्स और ओवरी से अंडा निकलता है और फर्टिलाइजेशन अंदर ही होता है, ओके। तो इसके लिए हर प्रोग्लॉटिड के अंदर ही कैंसी एग डेवलप हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा स्टेजेस डेवलप होते हैं, ओके। और फ्यू है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन एंड शो पॉली एम्ब्रियोनी, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, ओके, यानी कि एक एम्ब्रियो, जैसे इसमें बहुत सारे एक ही अंडे से बहुत सारे, वन एग मैनी एम्ब्रियोज, तो एक ही अंडे में बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं और इस एम्ब्रियो से अल्टीमेटली लार्वा रिलीज किए जाते हैं, ओके। इसके लिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके। चलिए, रेस्क्यू सिस्टम जो है वो फ्लेम सेल, तो पहला एनिमल जिसमें रेस्क्यू सिस्टम है उसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। देखो ये आपका सिंगल आपका क्या है, फ्लेम सेल है, ओके, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ओके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब एब्सेंट है इस एनिमल में, ओके। चलिए, तो देखो ये आपका क्या है, लैडर टाइप, दिस इज लैडर टाइप नर्वस सिस्टम, लैडर टाइप का नर्वस सिस्टम है। तो हेड रीजन में यहाँ पे आपको ब्रेन दिख रहा है, ओके, और दो नर्व कॉर्ड दिख रहे हैं, ओके, तो दो नर्व कॉर्ड, टू लैटरल नर्व कॉर्ड, लैटरल नर्व कॉर्ड्स। और फिर आपका देखो ओवरी एंड टेस्टिस, ओके, मल्टीपल होता है। इसके लिए देखो इस एनिमल को आप कहीं पे भी काटोगे, इसको है ना, ये प्लेनेरिया, कहीं पे भी आप काटोगे तो उससे दूसरा पार्ट जो है वो रीजनरेट हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट इज एस्केलमेंथस, पहला एनिमल जिसमें अभी बॉडी ट्यूब बन गया, माउथ और एनस। तो एस्कस का मतलब सैक होता है, निमैट हेलमेंथस भी कहते हैं, निमैट का मतलब होता है थ्रेड, इसको इनको थ्रेड वर्म्स कहते हैं, थ्रेड वर्म्स, इनको राउंड वर्म भी कहते हैं। तो थ्रेड वर्म या उनको राउंड वर्म कहते हैं, ओके। देन ज्यादा करके पैरासाइट्स कुछ फ्री लिविंग है। तो बॉडी लॉन्ग अनसेगमेंटेड सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक, अभी इसका अगर पिक्चर दिखा देंगे तो ऐसा है कि बॉडी जो है ये हो गया इनर ट्यूब जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, और डाइजेस्टिव ट्यूब में एक पार्ट तैयार होता है जो फूड को अंदर क्या करता है, स्वेलो करता है, तो ये हो गया फैरिंग्स। तो फैरिंग्स डेवलप हुआ, ये हो गया माउथ, और ये हो गया वॉट एनस, ये हो गया डाइजेस्टिव ट्यूब, और बाहर की तरफ है आपका वॉट बॉडी वॉल लाइक दिस, ओके। तो इस तरह देखो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अंदर वाला ट्यूब डाइजेस्टिव ट्यूब, बाहर वाला ट्यूब बॉडी वॉल, ओके। तो देखो देखो यहाँ पे सारे एनिमल अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्रिक है, लेकिन सीलोम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। इसके लिए फॉल सीलोम जिसके बारे में देख लिया था, फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, और साथ में यहाँ पे सिस्टम भी तैयार हुआ। तो फाइनली इससे आपका ऑर्गन सिस्टम तैयार हुआ है, तो बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स तैयार हो गए। और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिकल का एक लेयर होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम जिस होस्ट के बॉडी में गए तो उससे अपने आप को बचाने के लिए क्यूटिकल रहता है, ओके। चलिए देखो ये है एस्कारिस, और ये पहला एनिमल जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग रहेंगे, तो मेल लंबी है मोटी है, फीमेल जो है फीमेल लंबी है मोटी है, ओके, और मेल उसके कंपार्टमेंट छोटा है, और उसका देखो कर्व पोस्चर एंड इस पर भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। यह है बुक्रेरिया जिससे होता है एलिफेंटियासिस, हत्ती रोग भी कहते हैं उसको, ओके, इसको फाइलेरियासिस भी कहते हैं, और यह एनसाइलोस्टोमा जिसको हुक वर्म भी कहते हैं, वेरी टाइनी वर्म, ओके। तो हुक वर्म इसके लिए कहते हैं कि माउथ जो है माउथ उसके
पास हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो होल्ड फास्ट करते हैं. ओके चलिए, तो बॉडी वॉल के पास कैन सी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो होते हैं. अभी लॉन्गिट्यूडनल मसल का मतलब क्या है, ये अगर आपका जैसे बॉडी वॉल है तो जो मसल्स है, अगर मसल्स जो है लेंथ वाइज अरेंज होते हैं उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और अगर वो सर्कल वाल अरेंज होता है तो उसको सर्कुलर. तो सर्कल वाले तो नहीं है, लेंथ वाइज अरेंज रहता है. लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, लेंथ वाइज. फिर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विद माउथ एंड एनस एज अपोजिट एंड. ओके, फैरिंक्स इज वेल डेवलप्ड एंड इट इज मस्क्यूलर. ये पॉइंट कैन सी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई दे कैन एक्चुअली व्हाट ड्रिंक और दे कैन कैन सी व्हाट स्वेलो द फूड. ओके, एक्सक्रीशन के लिए होता है कैनाल और ग्लैंड सेल इन द एक्सक्रीटरी कैनाल. तो बॉडी में ट्यूब सिस्टम होता है, इस ट्यूब सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करके एक्सक्रीटरी पोर से निकाल देते हैं. ओके, वाया एक्सक्रीटरी पोर. फिर एक्सक्रीटरी पोर वही पता है मैंने, एक्सक्रीटरी पोर से निकाल देते हैं. ओके, फिर नर्वस सिस्टम के पास नर्व रिंग होता है और आपका यू कैन सी व्हाट नर्व्स, कौन सा, डॉर्सल एंड डबल, ओ सॉरी इट इज वेंट्रल, मिस्टेक हो गया गलती से, डबल सॉलिड एंड वेंट्रल. चलिए अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. एनिमल्स यूनिसेक्सुअल है, मतलब पहली एनिमल जिसमें सेक्सेस आर सेपरेट और साथ में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल एंड फीमेल शो डिफरेंशियल यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर ताकि एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सके. ओके, फिर फीमेल इज जनरली लॉन्गर एंड ब्रॉडर एंड दे हैव स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड, और मेल की बात करेंगे तो दे आर शॉर्टर एंड नैरो एंड कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, और जिसके पास होता है स्पर्म्स को ट्रांसफर करने वाला ऑर्गन जिसको पिनाइल सीटे कहते हैं. जैसे आपको मालूम है मैमल्स के पास पेनिस होता है. ओके, जैसे ह्यूमंस हो गए जितने में मैमल्स उनके पास क्या है, पेनिस होता है जिसे वो अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. ओके, फिर फर्टिलाइजेशन इसके लिए बॉडी के अंदर होता है, और यहाँ पे भी डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट मतलब अंडे के अंदर ही सारे स्टेज डेवलप हो जाते हैं या इनडायरेक्ट होता है, अंडा जो है वो लार्वल स्टेजेस को रिलीज करता है. ओके, तो मे और मे नॉट इंक्लूड लार्वल स्टेज, क्योंकि डायरेक्ट है तो लार्वल स्टेज नहीं होगा, इनडायरेक्ट है तो आपका लार्वल स्टेज प्रोड्यूस होता है. ओके, तो ये आपका मेल और फीमेल. अभी यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आएगा, तो पहले इसका लेबल्स कर लेते हैं. तो देखिए ये मेल का पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड विच इज कर्व्ड, और फीमेल का ये पोस्टीरियर एंड क्या है, पोस्टीरियर एंड इज स्ट्रेट. तो इधर ही आपके कैन सी व्हाट डिस्टिंग्विश पॉइंट, मेल जो है वो है शॉर्टर एंड फीमेल इज व्हाट लॉन्गर. बोलोगे सर ये कौन है, ये फीमेल है या आपका व्हाट मेल एस्केलेस है. ओके, देन इट इज व्हाट नैरो, बॉडी इज नैरो, बॉडी इज व्हाट ब्रॉड. कलर भी देखेंगे तो मेल लाइट कलर का होता है, लाइट कलर, लाइट पिंक, एंड फीमेल इज व्हाट डार्क पिंक. ओके, तो फीमेल थोड़ी डार्क कलर की है. ओके, फिर आपके पास मेल के पास यहां पे होता है आपका व्हाट पिनाइल सीटे, पिनाइल सीटे. तो दीज आर सम द ओके, तो पॉइंट यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं. ओके, तो ये आपको पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का. ओके, और बॉडी के सरफेस पे आपको दिखेगा क्यूटिकल, ठीक क्यूटिकल, ठीक क्यूटिकल आपको दिखने वाला है. ओके, फिर चलिए नेक्स्ट इज एनालिटा. ये ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहला ग्रुप ये है जिसमें बॉडी जो है इट इज एक्चुअली सेगमेंटेड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स जिनको मेटामियर्स कहते हैं. ओके, तो इसको पहले देख लेते हैं कैसा होगा. ओके, तो अगर मैं आपको एक पाइप दे दूं, सपोज मैंने आपको पाइप दे दिया, दिस इज द पाइप, तो दिस इज द डाइजेस्टिव पाइप. ओके, सपोज ये माउथ है, सपोज इस पाइप में आप क्या डाल दोगे, सीढ़ी, सीढ़ी मालूम है आपको, अगर आपके बहुत सारे सीढ़ी है उसको आप इसमें डालते जाओ, ये एक सीढ़ी डाली, ये दूसरी सीढ़ी डाली, ये तीसरी सीढ़ी डाल दी, तो ये सीढ़ी की इसका काम कर रहा है. देखो सीढ़ी अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा, है ना, नाउ द पिक्चर विल बी क्लियर.
ओके, और फिर आप इसको अभी कवर कर दो, कवर कर देते हैं भाई। बस इज़न्ट इट, तो क्या बन गया आपको, ये जो बाहर वाला आपको ये लेयर दिख रहा है, दिस इज द बॉडी वॉल, ये है आपका बॉडी वॉल, और अंदर का जो ट्यूब आपको दिख रहा है येलो से जो हमने बनाया, ये हो गया आपका डाइजेस्टिव ट्यूब। ओके, और फिर आप देखो बॉडी जो है अंदर से पार्टीशनड है, तो ये जो पार्टीशन आपको दिख रहा है, ये पार्टीशन जो है इसको कहते हैं सेप्टम, और सेप्टम की वजह से बॉडी अभी ये जो केस में इसमें एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट डेवलप हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं सेगमेंट्स। क्या कहते हैं? सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट्स। ओके, एंड ऑल द सेगमेंट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, और उसके अंदर के जो पार्ट्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड यू कैन सी व्हाट पैटर्न, दैट्स व्हाई इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो पहला एनिमल जिसमें मेटामेरिज्म स्टार्ट हुआ ये है। ओके, तो ये है आपका माउथ, दिस इज नेचुरली माउथ, एंड दिस इज व्हाट आपका एनस। ओके, तो बॉडी में अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये सपोज माउथ के पार्ट, ये जो पार्ट है ये है आपका व्हाट फैरिंग्स पार्ट है, तो फैरिंग्स के ऊपर गैंग्लियन रहता है, फैरिंग्स के नीचे गैंग्लियन रहता है, तो बॉडी के हर सेगमेंट में गैंग्लियन रहता है, मतलब छोटा छोटा ब्रेन, और फिर इसको कनेक्ट किया जाता है, ये हो गया नर्वस सिस्टम तैयार हो गया। तो माउथ फैरिंग्स के आसपास जो आपका गैंग्लियन है उसके वजह से रिंग बन गया, तो ये बन गया आपका नर्व रिंग। एक्चुअली दो गैंग्लियन होते हैं लेफ्ट और राइट के लिए, तो ऐसा दिखाना पड़ेगा हमें, है ना, तो हर बॉडी पार्ट में आपका गैंग्लियन रहेगा लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, तो आपका डोर्सल नर्व कॉर्ड भी हो गया। फिर हार्ट जो है, हार्ट एक्चुअली जो बॉडी है इसके इधर डेवलप होता है, यहाँ पे हार्ट, इधर एक हार्ट है, इधर एक हार्ट है, इधर एक हार्ट है, इधर एक हार्ट है, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द ब्लड वेसल्स, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय व्हाट, ब्लड वेसल्स। ओके, और ये ब्लड वेसल जो है उसकी वजह से क्लोज्ड सर्कुलेशन डेवलप हुआ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आपका जो बॉडी वॉल है उसमें से एक ट्यूब जैसा निकलता है, हैविंग ए फनल, बहुत सारे ट्यूब निकलते हैं विद ए फनल, फनल जैसा स्ट्रक्चर है, सिंगल ट्यूब को देखेंगे, यानी कि बॉडी का यहाँ से ट्यूब है और उसका टर्मिनल पार्ट में फनल है, इस स्ट्रक्चर को, इस जो स्ट्रक्चर है ट्यूब विद ए फनल, ट्यूब विद ए फनल, इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रिडिया, इसको नेफ्रिडिया कहते हैं। इसका काम क्या है कि बॉडी में जो स्पेस है उसमें जो वेस्ट है, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे, ये बॉडी सरफेस, ये होल, तो इसमें से आपका ट्यूब और सरफेस टिप में नेचुरली देयर इज ए फनल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसी फनल से वेस्ट अंदर जाता है, और खाली वेस्ट नहीं जाएगा, उसके साथ बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी जाएंगे, मतलब यूजफुल चीज़ों को वापस बॉडी में भेज देते हैं, और जो वेस्ट है वेस्ट इस पोर से निकल जाता है। ओके, तो देखो ये आपका बॉडी डिजाइन कैसा दिख रहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये एनिमल। फिर जो स्पेस आपको दिख रहा है वो है प्रॉपर सीलोम, पहला एनिमल जिसमें प्रॉपर सीलोम तैयार हुआ है ना। और क्या फीचर है इसमें आपको, फिर लोकोमोटरी ऑर्गन, प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन तैयार हुआ, तीन टाइप के। तो कुछ केस में अर्थवर्म में क्या होता है, तो आपका एकदम नीडल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे तैयार होते हैं, इन नीडल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सीटे। नेरिस में क्या होता है कि आपका जो हर सेगमेंट है उसमें से विंग जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, विंग जैसा स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं पैरापोडिया। और कुछ एनिमल्स में एनस के जगह पे, और आपका माउथ के आसपास क्या रहता है, सकर्स रहता है, क्या रहता है, सकर्स रहता है। ओके, तो सकर्स के जरिए क्या करते हैं, वो अपने सपोर्ट को या जिस एनिमल के बॉडी के साथ वो अटैच रहते हैं उसको होल्ड करते हैं, और फिर क्रॉल भी किया जाता है। तो ये देखिए एक ही पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि आपके जो एनिमल ग्रुप है उसके सारे मेन मेन फीचर्स दिख रहे हैं। चलिए बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एनिमल का नाम एनिमल पार्ट, क्योंकि बॉडी अपीयर्स टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। तो इसका दूसरा बताता हूं, अगर आप बहुत सारे टायर लड़ोगे, एक टायर लिया आपने, फिर उसके नीचे दूसरा टायर डाल दिया, तीसरा टायर डाल दिया, बहुत सारे टायर अगर एक के नीचे आप एक के ऊपर या के नीचे
आप अरेंज करते हो तो देखो आपको एक ट्यूब जैसा मिलेगा, ये अंदर वाला ट्यूब हो गया डाइजेस्टिव ट्यूब और बाहर वाला ट्यूब हो गया आपका वार्ड बॉडी ट्यूब। ओके, या पोलो का गोली बहुत सारे अगर आपने ले लिए बहुत सारे तो सिलेंडर जैसा बन जाता है। ओके, तो उसमें आपका नीरिस पेरिटिमा एंड वार्ड हिरुडिनेरिया जो लीच है ये पैरासाइटिक है, लीच इज पैरासाइटिक ब्लड सकर। ओके, तो उनको सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं, रिंग्ड वर्म्स भी कहते हैं, रिंग्ड वर्म्स, हाँ रिंग्ड वर्म्स भी कहते हैं, रिंग्ड वर्म्स। ओके, तो पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, कुछ एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ सॉइल के अंदर रहते हैं। ओके, तो हर फॉर्म्स के वर्म्स आपको, इसके जो मैंने आपको बोला कि आप कहीं पे आउटस्कर्ट में जाते हो, कुछ सॉइल अगर आप कोई पत्थर पड़ा हुआ आप उसको हिला देते हो तो उसमें बहुत सारे वर्म्स जो आपको मिलते हैं उनमें से ज़्यादा करके एनलिड्स होते हैं। ओके, तो ये पहला एनिमल देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्यूब विद इन ट्यूब सीलोम, पहला ट्रू सीलोम पहली बार तैयार हुआ इधर। ओके, इसको पहले ही बताया था आपने। फिर जो पिक्युलैरिटी है वो है मेटामेनिक सेगमेंटेशन। ओके, क्योंकि इंटरनल पार्टीशन जो है वो बाहर दिखता है। अभी इंटरनल पार्टीशन बाहर दिखता है मतलब क्या बच्चों, कैसे होता है आपको मालूम है? तकिया, अगर आपने तकिया परचेज किया तो बोला आपने एक तकिया परचेज किया ऐसा या ऐसा है, तकिया कट सेक्शन में दिखा रहे, अगर मैं सोचो यहाँ से यहाँ पे सिलाई कर दूँ, यहाँ से यहाँ पे सिलाई कर दूँ, तो यही तकिया आपको फिर ऐसा दिखेगा, इजंट इट? तो यहाँ पे आपने सिलाई की है क्रॉस तो वहाँ पे एक डिप्रेशन जैसा बन जाता है, यानी कि इंटरनल जो पार्टीशन है वो बाहर दिखता है। इसलिए एनिमल्स के सरफेस को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, तो जहां पे डिप्रेशन दिख रहा है मतलब उधर इंटरनल क्या है, पार्टीशन है। ओके, इसके इसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं। ओके, और फिर कुछ एनिमल्स में एक स्पेशल रीजन होता है जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, उसको कहते हैं क्लाइटेलम। ओके, जैसे अर्थवर्म की अगर बात करेंगे तो अर्थवर्म का बॉडी के तीन मेजर रीजन्स को आप डिफाइन कर सकते हो ऐसा, लाइक दिस। तो बीच वाला जो पट्टा है इसी के अंदर अंडर डेवलप होता है, उसको रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, उसको क्लाइटेलम कहते हैं। और फिर ये हो गया आपका एंटीरियर रीजन, फिर ये हो गया आपका पोस्टीरियर रीजन, तो ये आपका देखो अर्थफॉर्म बन गया आपका। ओके, चलिए तो को तीन स्पेशल टाइप, ये नेरिस, नेरिस अर्थफॉर्म और लीच में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि अगर नेरिस की बात करेंगे तो नेरिस के पास होता है पैरापोडिया, अर्थवर्म के पास होता है सेटे और लीच के पास होता है सकर्स फॉर अटैचमेंट एंड लोकोमोशन। लेकिन हाँ, बेसिक जो मूवमेंट होता है वो बॉडी वॉल की वजह से होता है, बॉडी वॉल की वजह से। ओके, तो अर्थवर्म के पास ये अगर देखा है तो ये है आपका क्लाइटेलम, दिस पार्ट इज क्लाइटेलम, प्रॉब्ली मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। ओके, चले तो लोकोमोशन के लिए आपका बॉडी वॉल है और साथ में लोकोमोशन स्ट्रक्चर है सीटे सकर्स एंड वॉट आपका पैरापोडिया जो पहले बताया आपको। ओके, एनिमल फिर एक्सचेंज ऑफ गैस डायरेक्टली होता है फ्रॉम बॉडी वॉल, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलो तो सर्कुलर सिस्टम क्लोज होता है आपका, मतलब ब्लड इन वेसल्स रहता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। फिर नेफ्रेडिया रहेगा, ये भी पता है हमने, नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहता है नर्वस सिस्टम में, क्योंकि हर सेगमेंट, एवरी सेगमेंट हैज ए पेयर ऑफ गैंग्लियन। ओके, हर सेगमेंट का अपना अपना गैंग्लियन होता है, ये नर्व कॉर्ड उससे इंटरकनेक्ट होके बनता है आपका गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। ओके, फिर ज्यादा करके हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं और कुछ डायोशियस है, जैसे नेरिस जो है वो आपका डायोशियस, देखो यूनिसेक्सुअल, तो मेल और फीमेल नेरिस अलग होता है, लेकिन अर्थवर्म आपका हर्मोफ्रोडाइट में आपका कौन है, आपका अर्थवर्म और आपका लीच। ओके, जो आप साइमल्टेनियसली यू कैन सी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चले तो ये है आपका वार्ड नेरिस, सरफेस पे आपको क्या दिख रहा है, पैरापोडिया। और पैरापोडिया का डिजाइन कैसा है, वो विंग जैसा दिखता है ऐसा, और उसके टिप से निकलते हैं आपके सिटे, ये सिटे है। और अर्थवर्म का देखो, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे आपको सेगमेंट्स में ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी को सिटे कहते हैं, क्या कहते हैं, सिटे। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब ये पिक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आप उसको स्टडी कर सकते हो, ये आपका देखो हार्ट, मेन हार्ट है, ये सेगमेंटल हार्ट है, एसेसरी हार्ट्स है। ओके, नर्व कॉर्ड नीचे की तरफ है, ये नर्व रिंग दिख रहा है, ये नर्व रिंग,
देखो ये लीच है, ये आपका यू कैन से सकर, दिस इज द सकर। ओके चलिए नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। अभी आर्थ्रोपोडा ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ा ग्रुप है। ओके तो वो कैसे रहोगे, अभी बेसिक चीज आपको मैं बता देता हूँ। तो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में फर्क क्या है कि दोनों में क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में क्या हो गया कि जो सेगमेंट्स है वो ऑर्गेनाइज होके बॉडी के तीन यू कैन सी व्हाट पार्ट्स में ऑर्गेनाइज हो गया। तो अगर आप आर्थ्रोपोडा की बॉडी बताओगे, देखोगे बेसिकली अगर आप आर्थ्रोपोडा की बॉडी देखोगे तो उसमें बॉडी के तीन आपको डिविजन दिखेंगे, पहला हेड, दूसरा आपका थोरैक्स और तीसरा व्हाट आपका एब्डोमिन, तीसरा आपका एब्डोमिन। तो ये तीन पार्ट आपको दिखेगा। ओके ऐसा ठीक है। अब ये कैसे, तो डिपेंडिंग अपॉन हेड थोरैक्स और एब्डोमिन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो आपके पास है चार टाइप के आर्थ्रोपोड्स, मतलब बोल सकते हैं क्लास। तो पहला क्लास जो है, जो सबसे बड़ा क्लास है उसको कहते हैं इंसेक्टा, दूसरा क्लास जो है उसको कहते हैं एराकनीडा, तीसरा जो क्लास है उसको कहते हैं क्रस्टेशिया, और चौथा जो आपका क्लास है उसको मारियापोडा कहते हैं। अब इन चारों में मेन डिफरेंस क्या है देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ओके तो पहले तो हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो हुआ क्या कि वो जो एनिलिडा का बॉडी है, मतलब एनिलिडा का बॉडी आप देखोगे तो बॉडी का हर पार्ट देखो इक्वली, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इसमें क्या हो गया कि आगे के कुछ सेगमेंट, बीच के कुछ सेगमेंट और रिमेनिंग सेगमेंट मिलके आपका रेस्पेक्टिव हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन में कन्वर्ट हो गया। तो इंसेक्टा में क्या है कि आगे वाले छह सेगमेंट मिलकर बन गया हेड। तो इंसेक्टा में देखो आगे वाले कुछ सेगमेंट मिलके हेड बन गए, एरेक्नेडा में वैसे हो गया आगे वाले कुछ सेगमेंट मिलके हेड बन गए, क्रस्टेशिया में ऐसा आगे वाले कुछ सेगमेंट मिलके हेड बन गए, मायरोपोडा में आगे वाले कुछ सेगमेंट मिलके हेड बन गए। और हेड अगर बना है तो उस हेड में फिर क्या है, यू गॉट आईज, आंखें हैं भाई, यहां पे भी आंखें डेवलप हुई, यहां पे भी आंखें डेवलप हुई, ये जो आंखें हम लोग दिखा रहे हैं ये कंपाउंड आईज है। ओके ये आंखें डेवलप हुई और जितने भी स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहे हैं वो हर सेगमेंट से, हर पर्टिकुलर सेगमेंट से तैयार होते हैं। ओके साथ में माउथ पार्ट डेवलप हुआ, तो माउथ पार्ट दिखा लेते हैं, ये माउथ पार्ट डेवलप हुआ, और जनरल माउथ पार्ट उनका बाइटिंग टाइप का होता है। ओके कुछ का पियर्सिंग टाइप का होता है, कुछ का सकिंग टाइप का होता है, ये माउथ पार्ट हो गया। फिर यू गॉट टेंटिकल्स डेवलप होते हैं, सेंसरी यू कैन सी व्हाट ऑर्गन्स डेवलप हुए टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स हैं छोटे बड़े वो डिपेंड करता है अभी एनिमल पे, छोटे बड़े हो सकते हैं। करेक्ट नाउ ये हो गया आपका हेड। तो ये जो हमने ग्रीन से दिखाया, ग्रीन से जो पार्ट दिखाया वो आपकी तीनों का हेड है। सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका थोरैक्स। अब इस थोरैक्स में ही डिफरेंस है, अभी क्रिस्टल में क्या है कि हेड जो है और थोरैक्स वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं, तो उसको कहते हैं फिर सिफेलोथोरैक्स। तो आपका हेड और थोरैक्स मिलके कॉमन पार्ट बन जाता है, यहां पे आपका ये थोरैक्स है, दिस इज द थोरैक्स पार्ट। और थोरैक्स के कितने सेगमेंट्स हैं उसी से ये चार ग्रुप डिफाइन होते हैं। इंसेक्टा में होते हैं आपके तीन सेगमेंट्स, एरेक्नीडा में होते हैं चार सेगमेंट, थोरैक्स में क्रस्टेशिया में होता है एक दो तीन चार पांच सेगमेंट, यानी कि इधर एक इधर दो इधर तीन इधर चार है, इधर है 1 2 3 4 5 और इधर फिर मोर देन, इधर बहुत ज्यादा है, इधर बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड, मोर देन। ये हो गया थोरैक्स, थोरैक्स हो गया। एंड व्हाट द इंपॉर्टेंट थोरैक्स हम बाद में देखेंगे। फिर टर्मिनल जो जितने भी सेगमेंट बच गए, जितने भी टर्मिनल सेगमेंट बन गए, ये हो गया एब्डोमेन, दिस इज एब्डोमेन, दिस इज एब्डोमेन, दिस इज एब्डोमेन, ब्लू वाला एब्डोमेन हो गया। ओके तो रिमेनिंग सेगमेंट्स मिलके एब्डोमेन पार्ट, तो एब्डोमेन बॉडी का वो पार्ट होता है जिसमें बाकी इंटरनल ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट हो गया आपका, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम अभी देखो इस एनिमल में सारे के सारे सिस्टम अभी वेल डिफाइंड हो गए। लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और वो है जॉइंटेड अपेंडिजेस,
टेक्निकली हर बॉडी सेगमेंट से कोई ना कोई अपेंडिज निकलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपेंडिज निकलते हैं आपके थोरैक्स रीजन से और लोकोमोशन। और इसी में फर्क है, इंसेक्टा ग्रुप वो है जिसमें थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट से निकलता है एक एक जोड़ी पैर, लाइक दिस। ओके, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो यहां पे देखो 4 सेगमेंट है, कॉमन सेंस यूज करो बच्चों, कॉमन सेंस। तो कितने जोड़ी पैर होंगे? 4 जोड़ी पैर होंगे, 4 जोड़ी। ओके, तो हो गया आपका 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो यहां पे पहला जो सेगमेंट है उससे निकलता है चिमटे जैसा लेग। कोई एनिमल दिख रहा है आपको पिक्चर में, कैसा लग रहा होगा? स्टार्ट कर देते हैं, इसको स्टार्ट कर देंगे। और यहां पे देखो हर सेगमेंट, इवन एब्डोमेन जो है उसमें से भी निकलते हैं पैर, मल्टीपल लेग्स, यानी कि मोर देन 5 पेयर्स। यहां पे आपका 5 पेयर्स ऑफ लेग्स। उसमें पहला जो लेग है वो बहुत इंपॉर्टेंट, चिमटे जैसा काम कर रहा है। तो लग रहा है देखो इसी तरह 4 ग्रुप रह गए। तो इंसेक्टा में आते हैं आपके ऑल इंसेक्ट्स, तो जिनको हम लोग इंसेक्ट्स कहते हैं, मक्खी सबसे मेजर ग्रुप है, 60% आर्थ्रोपोडा इसको बिलोंग करता है। फिर एरेक्नेडा में है ऑल स्पाइडर, देखो ये है आपका स्पाइडर बाबू, स्पाइडर। क्रस्टेशिया में ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे बॉडी, इसी को हम लोग कहते हैं सिफेलो, यू कैन सी व्हाट, सॉरी इसको हम लोग कहते हैं, एक मिनट, सिफेलो थोरैक्स, क्योंकि हेड ऑफ थोरैक्स मिलके एक कॉमन एकेंसी शील्ड जैसा बन गया, शील्ड जैसा कवच बन गया। ओके, तो ये है आपका देखो स्पेशल क्रैब, आपका प्रॉन, आपका लॉबस्टर, आपका स्कॉर्पियन, वो इस ग्रुप को बिलोंग करता है। और मारियो पौड़े में आपके 2 है, कन खजूरा, मिली पेड़े, मतलब आपके मिलियन लेग्स, मतलब ऐसे लगते हैं बहुत सारे सेंटीपेड़े, 100 लेग्स, सेंटीपेडा मिलीपेडा 100 लेग्स। ओके, मतलब 100 नहीं होते लेकिन इससे बहुत सारे, यानी कि बॉडी लंबा है, वर्म जैसा है। यहाँ पे बॉडी देखो वर्म जैसा है। ओके, और बॉडी के हर सेगमेंट से क्या निकल रहा है आपका? लिम्फ निकल रहा है। फिर इसमें देखो सबसे बड़ा ग्रुप इंसेक्टा क्यों है? क्योंकि इंसेक्टा देखो मूव कर सकता है, लेकिन साथ में उसको ऊपर वाले में दिया है आपका व्हाट, विंग्स भी दिया है, 2 जोड़ी विंग्स भी रहते हैं बेचारे के पास। ओके, विंग्स, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। और इस विंग की एबिलिटी से नेचुरली इन एनिमल के पास हो, कुछ विंग देखो या तो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ केस में क्या होता है खाली प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, कुछ केस में उड़ने के लिए रहते हैं, कुछ केस में खाली उड़ने के लिए रहते हैं। ओके, तो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग क्या है टाइप्स है। तो इंसेक्ट का तो वैरायटी देखो, कॉकरोच ले लिया आपने, कॉकरोच है आपका, मक्खी है, बीज है, ओके, मॉथ है, बटरफ्लाई, सब एक इनसे इंसेक्ट का ग्रुप। बी केयरफुल, स्पाइडर इंसेक्ट जैसा लगता है लेकिन वो टेक्निकली इंसेक्ट नहीं है, वो एरेक्नेडा ग्रुप है। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंपल है, क्रैब, प्रॉन, लॉबस्टर, झींगा, ओके, श्रिम्स, ये सब आपके क्रस्टेशिया ग्रुप में पाए जाते हैं। और हमारे पड़े सबसे छोटा ग्रुप है। ओके, क्योंकि इसके बहुत ही कम वैरायटी, यहाँ स्पाइडर में बहुत सारे वैरायटीज आपको मिलेंगे। ओके, चलो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ओके, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, चल एक पॉइंट देख लेते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग वाले एनिमल्स, कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, सबसे बड़ा फाइलम है, अभी बता दिया आपको। ओके, फिर आपके पास देखो एनिमल्स के पास जॉइंटेड लैटरल अपेंडिजेस होते हैं, इसके लिए जॉइंटेड लेग वाले एनिमल्स। फिर आपका यू कैन सी ओमनीप्रेजेंट, हर एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं। ओके, हर टाइप का लाइफ वो करते हैं, सॉलिटरी, अकेला, फ्री, सॉलिटरी मतलब फ्री, अकेले, सिंगल रहते हैं या कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी आपको मालूम है, मक्खी, बीज, फिर एंट्स, टर्माइट्स, ये सब कॉलोनियल टाइप्स है। ओके,
फिर कुछ पैरासाइट्स हैं और ब्लड सकर्स है, ब्लड सकर्स को सैंग्वीवोरस कहते हैं, ओके। देन अभी ये कैरेक्टरिस्टिक है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट मतलब प्रॉपर सिलो, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसके मोस्ट एडवांस टाइप के इनवर्टिब्रेट्स है, क्या बिना बैकबोन वाले एनिमल्स है या नॉन कॉर्डेट्स है, ओके। देखो ये इतने सारे वैरायटी आपको दिख रहे हैं, ओके। ये बीटल है आपका, ओके। ये मिलीपेड है, देखो ये सॉरी ये सेंटीपेड है, ओके। ये हनी भी आपको दिख रहा है, ओके। ये स्टिक इंसेक्ट है, यहाँ पे स्कॉर्पियन दिख रहा है आपको, ये है क्रैब हो गया आपका, ये बटरफ्लाई है, करेक्ट। ये आपका मिलीपेड हो गया, ओके। ये भी एक प्रकार का बीटल है, ओके। ये आपका श्रिम्प है, ये ड्रैगन फ्लाई है, करेक्ट। देखो ये है आपकी मक्खी और ये आपका है लिम्यूनस, ओके। और आपके टेस्ट में देखो ये कौन है, ये आपका लोकस्ट या ग्रास होपर का ही वो टाइप है, ये आपका बटरफ्लाई, फिर आपका ये स्कॉर्पियन, ये आपका व्हाट प्रॉन, ओके। तो देखिए, तो एपिस हनीबी, बॉम्बेक्स सिल्कवर्म इंपॉर्टेंट, हनीबी से हनी और वैक्स मिलता है, सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है, लैसीफेरा से आपका लैक मिलता है, वैक्स है वो, फिर कुछ इंसेक्ट है वो डिजीज कैरी करते हैं, एनोफिलस जिससे मलेरिया स्प्रेड होता है, क्यूलेक्स जिससे फाइलेरिया हाथी रोग, और एडीज से आपका डेंगी स्प्रेड होता है, फिर ग्रेगेरियस पेस्ट। तो पेस्ट किसको कहते हैं, जो मटेरियल को डैमेज करता है, फूड को डैमेज करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है, उसको हम लोग कहते हैं पेस्ट। ग्रेगेरियस मतलब बहुत जो बहुत ही ज़्यादा खादड़ होते हैं, बस खाना आया तो उसको बस पूरा चर्च कर जाते हैं, उसको ग्रेगेरियस कहते हैं। एंड देयर इज अ लिविंग फॉसिल, अभी लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं बच्चों, तो जिन एनिमल टाइप जिस ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स भी आज पाए जाते हैं और वो एक्चुअल लाइफ फॉर्म्स भी है, दे आर सर्वाइविंग, उनको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, ओके। तो लिम्नस ये है किंग क्रैब, उसी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, किंग क्रैब, ओके। चलिए दूसरे फीचर्स, बॉडी को कवर किया जाता है विद अ टफ नॉन लिविंग काइटेनस एक्सोस्केलेटन, जिसको स्क्लेराइट प्लेट्स कहते हैं, और यहाँ और इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉडी अगर जैसा अगर कट सेक्शन में किसी बॉडी को देखेंगे, ये उनका बॉडी है कट सेक्शन में, ये डाइजेस्टिव ट्यूब, ऊपर होता है आपका हार्ट, नीचे आपका वर्टिब्रल कॉलम, ओके, साइड में होता है स्पाइकल्स। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चार प्लेट्स होते हैं, ये डॉर्सल प्लेट, इसको हम लोग कहते हैं टर्गम, फिर वेंट्रल प्लेट, इसको कहते हैं स्टर्नम, और फिर इसको जोड़ने के लिए साइड से प्लेट्स होता है जिसको प्लूरॉन कहते हैं। तो वो ये कट व्यू है, मतलब जैसे अगर आपने एक कॉकरोच का देखी है, ये कॉकरोच देखा है, तो मैं ऐसा कट करके दिखा रहा हूं आपको, कट करके, ओके। तो कट करके ये आपका गट, ये आपका हार्ट और ये आपका नर्व कॉर्ड है, और साइड से नेचुरली जो लैंड पे रहते हैं उनके पास होता है ब्रीदिंग ओपनिंग कॉल स्पाइरिकल, इसी से ट्यूब सिस्टम बॉडी के अंदर जाता है, इससे ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट को डायरेक्टली मिलता है, ओके। और ये है आपका बॉडी वॉल, दिस इज बॉडी वॉल। लेकिन इसके वजह से क्या होता है, यानी कि बोल सकते हैं ये बॉडी है, ये आपका वो जो काइटिनस कवरिंग है उसमें क्या हो गया है, बंद हो गया है, तो वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए एनिमल क्या करता है कि जब उसको ग्रो करना है, वो अपने शेल्स को निकाल देता है, बाहर आता है और फिर अपने बॉडी को ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद फिर से नया शेल तैयार कर लेता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मोल्टिंग, इसको मोल्टिंग कहते हैं, ओके। इसको एक्डाइसिस भी कहते हैं, एक्डाइसिस भी कहते हैं, ओके। सो दिस इज द फीचर ऑफ दिस एनिमल। चलिए, इसको बार बार उनको अपना स्किन निकालना पड़ता है, एक्शन स्किन, तो बॉडी हेड थोरैक्स एब्डोमेन में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, एस्क्रिटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, और ब्लड जो है वो आपके कैविटी में, बॉडी कैविटी में भरा होता है, इसके लिए उसको हीमोसील कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो हर टाइप का है, गिल्स, ट्रकिया, बुक लंग्स और बुक गिल्स, बुक गिल्स और गिल्स पानी के अंदर, ट्रकिया और बुक लंग्स हवा से ब्रीथ करने के लिए यूज किया जाता है। रेस्क्रिशन के लिए ग्रीन ग्लैंड्स है, मेल्फिजन ट्यूब्यूल, और मेल्फिजन ट्यूब्यूल किसके साथ होता है, तो डाइजेस्टिव ट्यूब है, ये आपका डाइजेस्टिव ट्यूब है, तो डाइजेस्टिव ट्यूब के एंटीरियर एंड में ही बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स रहते हैं, उनका काम क्या है कि बॉडी का जो सिलोम है, हीमोसील, हीमोसील से वो क्या करते हैं, वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वेस्ट को फिर एनस से निकाल देते हैं, ओके। देखो ये इंसेक्ट का बॉडी है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, ओके। फिर टिपिकल इंसेक्ट में सारे सिस्टम्स आपको दिख रहे हैं, दिस फॉर योर सेल्फ स्टडी, आप एक पिक्चर ले लो, ओके।
देखिए ये है आपका, यू कैन सी व्हाट, बुक लंग, बुक लंग का एग्जांपल ये है, ओके। देन आपका ये ट्रकियल सिस्टम, ये स्पाइरिकल है, इससे हवा जो है डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाती है और अंदर एक ब्रांच सिस्टम रहता है और ये है इंटरनल गिल्स, ओके। देखो दिख रहा है आपको, ये एनिमल कौन है, ये आपका क्रस्टेशिया है, क्रस्टेशिया, ओके। तो ये आपका सिफेलो थोरैक्स है और इसमें से पहला लेग दिख रहा है आपको, वो आपका एकदम चिमटे जैसा है ना, लॉबस्टर है वो। चलिए, और जैसे एक्सरे सिस्टम ग्रीन ग्लैंड का होता है, जो माउथ है का जो फैरिंक्स है उधर ही एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन ग्लैंड, ओके। तो वेस्ट को क्या है, बॉडी से बाहर निकाल देता है, ओके। और ये है मालपिजियन ट्यूबुला, तो है ये आपका गट सिस्टम है, स्टमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स, इन्हीं को मालपिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल क्या करता है, बॉडी का जो फ्लूड है ये है आपका हीमोलिम्फ, मतलब ब्लड बोलते हैं, ब्लड, इस ब्लड में से वो न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, उसमें वेस्ट भी होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और जो वेस्ट है उसको इंटेस्टाइन से निकाल दिया जाता है, ओके। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, ओके। चलिए, फिर नर्वस सिस्टम है, नर्व रिंग है, डबल वेंट्रल गैंग्लियन नर्व कॉर्ड है, जस्ट लाइक एनलिड की तरह ही है, ओके। लेकिन नर्व रिंग इज अराउंड ईसोफेगस के आसपास होता है, ईसोफेगस के आसपास। एनलिड में किसके आसपास होता है, एनलिड में होता है आपका फैरिंक्स के आसपास, यहाँ पे ईसोफेगस के आसपास, ओके। सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप्ड है एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन सी दे कैन एक्चुअली सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, दे कैन सेंस देयर फूड ऑल्सो, दे कैन सेंस देयर, यू कैन सी व्हाट, एनिमीज ऑल्सो मोर इजिली। उनके पास बैलेंसिंग ऑर्गन भी होता है, स्टेटोसाइट मतलब आपका बैलेंसिंग ऑर्गन भी रहते हैं, ओके। तो दे आर द फर्स्ट एनिमल, जैसे सिंपल आई मतलब वन लेंस और आपका कंपाउंड आई हो गया मल्टीपल लेंस वाले आई, तो आंख में अगर एक से ज्यादा लेंस होता है उसको कंपाउंड आईज कहते हैं, ओके। फिर सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इधर भी देखा था, तो मेल और फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, पोलराइजेशन शरीर के अंदर होता है क्योंकि मेल अपने स्पर्म को बॉडी के अंदर, और होता क्या है कि सबसे पहले फीमेल मेल से अपने स्पर्म ले लेती है इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म पॉकेट और उसको बॉडी के अंदर डिपॉजिट करती है, फिर जब अंडे तैयार होते हैं तब वो थोड़े थोड़े स्पर्म और थोड़े थोड़े अंडों को रिलीज कर देती है, ओके। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बाय मेटामॉर्फोसिस मतलब मल्टीपल यू कैन सी व्हाट स्टेजेस। अभी कुछ आर्थ्रोपोड जो है उनमें जो अंडा फर्टिलाइज हुआ उससे तो नेचुरली यंग वन बनते हैं, जो फर्टिलाइज नहीं होता है उससे भी यंग वन बनते हैं और वो मेल होते हैं, मेल। तो मेल इंड्यूस को बनाने के लिए स्पेशल प्रोसेस है, उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग्स तैयार होते हैं, ओके। अनफर्टिलाइज्ड एग्स से भी अगर बेबी तैयार हो गया उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, ओके। तो मेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स, यानी कि फर्टिलाइज्ड अंडे भी डेवलप होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड अंडे भी डेवलप होते हैं इन हनी बी। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका है हनी बी। तो फर्टिलाइज्ड अंडे जो है उससे फीमेल तैयार होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड अंडों से मेल्स तैयार होते हैं, ओके। और साथ में बहुत सारे इंसेक्ट जो कॉलोनी में रहते हैं उनमें अलग अलग एकेंसी फॉर्म्स रहते हैं, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, मल्टीपल एकेंसी व्हाट बॉडी फॉर्म, ओके। जैसा हनी बीज में देखो आपके पास क्वीन बी, वो बड़ी साइज की होती है, ड्रोन्स जो मेल रहते हैं वो ब्रॉड होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और वर्कर बी में अलग अलग क्लासेस रहते हैं, नर्सेस वगैरह, तो हर एक का शेप स्ट्रक्चर बॉडी फीचर एक दूसरे से अलग होता है, ओके। तो एक ही यू कैन सी स्पीशीज टाइप में या क्वालिटी टाइप में अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं जिनका अलग अलग टास्क डिसाइडेड रहता है, ओके। चलो ये एग्जाम्पल है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो, जैसे ये क्वीन है, ओके, ये फर्टाइल फीमेल है, जो वो अंडे देगी, अनफर्टिलाइज अंडे से मेल और फर्टिलाइज अंडे से क्या है फीमेल, तो उस फीमेल से वर्कर भी बन सकती है या क्वीन भी बन सकती है। तो क्वीन कौन सी बनती है, जिन लार्वास को हनी दिया जाता है, रॉयल जेली बोलते हैं, वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अभी आर्थ्रोपोडा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जैसे एपिस हनी बीज के लिए है ना, हनी बीज से आपको हनी और वैक्स मिलेगा, लैक्स से आपको लैक मिलता है, लैसीफेरा से, फिर लॉबस्टर, प्रॉन, क्रैब्स,
जो है वो एडिबल है, सिल्क आपको सिल्क वर्म से मिलता है, जो मॉथ है एक्चुअली, सिल्क मॉथ है, इट इज सिल्क मॉथ, ओके, सिल्क मॉथ है वो, उसका जो लार्वा स्टेज है, ये है लार्वा स्टेज, तो लार्वा स्टेज जो है वो ककून बनाता है जो सिल्क का तैयार होता है, ओके। तो कुछ अर्थवोड़ा आपके हार्मफुल है, जैसे आपका मॉस्किटो, ओके, तो मॉस्किटो में भी टाइप्स है आपके, जो भी पहले डिस्कस किया था मैंने, ओके, तो वो देख लेना आपने, क्योंकि इसमें एनोफिलस जो है वो आपका मलेरिया स्प्रेड करता है, एडीज जो है वो डेंगू स्प्रेड करते हैं, और आपका एक ऐसी क्यूरेक्स वो फाइलेरियासिस को स्प्रेड करता है, फिर लोकोस्टा वो आपका फार्म्स को यानी क्रॉप फील्ड्स को डैमेज करने वाला एक पेस्ट है, ओके। फिर आपका ल्यूमिनस जो अभी बताया वो लिविंग फॉसिल है, ओके, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए नेक्स्ट इज आपका, सॉरी ये मोलुस्का होना चाहिए, ओके, मोलुस्का, तो मोलुस्का सॉर्ट बॉडी, बाइवाल्व, पाइला, बाइवाल्व, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश भी कहते हैं, सेपिया कटल फिश है, काइटॉन, चाइटॉन बोलो आप, चिटॉन बोलो, पर्ल ऑयस्टर, स्क्विड, सबसे बड़ा स्क्विड इज द, यू कैन सी व्हाट, लार्जेस्ट आपका नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट में सबसे लार्ज वाला ये है, ओके। फिर सी हेयर है, डेंटालियम, हाथी दांत जैसा दिखता है वो, ओके, शेल्ड, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा, ओके। तो ये भी या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो जमीन में फिक्स रहते हैं, सेडेंटरी मतलब ससाइल या नॉन मोटाइल फॉर्म्स, ओके। देन दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक का एक और है, दे यू कैन सी लिव एट सॉइल बेड, सॉइल बेड और सी बेड, तो ज्यादा करके एक्वाटिक होते हैं या मार्शी प्लेसेस मतलब जहां पे पानी ज्यादा होता है, वेट लैंड्स उसमें डेवलप होते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल है जैसे आपका स्नेल। तो बॉडी सॉफ्ट और बॉडी प्लान आपका ट्यूब विद इन ट्यूब है, क्योंकि देखो अभी के जितने अभी बाद में जितने भी एनिमल्स है सबके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ही रहेगा, ओके। तो बस गए डेंटालियम है, काइटॉन है, ऑक्टोपस, सेपिया, यूनियो, पर्ल ऑयस्टर जिसमें ऑयस्टर अपना पर्ल तैयार होता है, फिर लुलिगो हो गया, ये लैंड स्नेल, ओके, जो बोलते हैं ना अपने घर को लेके चलता है, ओके। तो ये कुछ पिक्चर्स है आपके लिए, ओके। चलिए ये आपका है आपका पाइला, दिस इज पाइला, और ये आपका है ऑक्टोपस, एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ओके। ऑक्टोपस आपको मालूम है इसमें ना तो एक्सोस्केलेटन होता है, एंडो होता है, इसकी आंख जिस ओपनिंग से निकल जाए इतने छोटे होल से वो निकल सकता है, उसके पास 8 आर्म्स रहते हैं, 8 आर्म्स आर देयर, ओके, 8 आर्म्स विद सकर्स, उसमें सकर्स होते हैं, वो प्रे को होल्ड करने के लिए या सपोर्ट को भी होल्ड करने का काम आता है, ओके। और आपको मालूम है जो आपका ऑक्टोपस है उसके पास अपने स्किन के कलर को चेंज करने की एबिलिटी होती है, ओके, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं, तो बैकग्राउंड के हिसाब से अपने स्किन के कलर को चेंज कर देता है, ओके। तो दे आर बायलैटरल सिमेट्री, लेकिन कुछ एनिमल्स में सिमेट्री नहीं बसती है क्योंकि बॉडी जो है शेल के अंदर ट्विस्ट होके रहता है, इसलिए सिमेट्री चली जाती है। बॉडी का बेसिकली तीन पार्ट है, हेड, फुट एंड व्हाट, विसरल फुट, जैसे इसका एग्जांपल देंगे आपका स्नेल का, ये हेड, ये विसरल बॉडी एंड दिस इज द फुट, ओके। तो हेड में आंख होता है, टेंटिकल्स होते हैं, ये माउथ है, और जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग होती है, इस कवरिंग को मेंटल कहते हैं, और ये मेंटल कुछ केस में क्या है, एक शेल जैसा बना देता है, ओके, जो आपका बनता है कैल्शियम सॉल्ट का, कुछ केस में सिलिका सॉल्ट का भी बनता है, ओके। तो बॉडी को मेंटल में प्रोटेक्ट किया जाता है, और यही मेंटल तैयार करता है आपका व्हाट, कैल्केजियस शेल्स, जो एक्सटर्नल भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है, ओके। फिर मस्कुलर फुट जो है वो लोकोमोशन का काम आता है, और कुछ के पास आर्म्स होते हैं, ओके, तो आर्म इसके लिए क्योंकि वो चीजों को होल्ड करता है। तो देखो ये आपका एक ऐसी एक जनरल बॉडी है जिसको भी आप स्टडी कर सकते हो, ओके। फिर बॉडी प्लान में माउथ के पास होता है रैस्पिंग ऑर्गन, रैस्पिंग ऑर्गन मोलुस्का जो फूड को टियर करता है, क्योंकि ये सारे कार्निवोर, ज्यादा करके कार्निवोर्स होते हैं, ओके, अंडरस्टूड, जो आरी की तरह काम करते हैं। चलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, कंप्लीट है, ओके। बक्कल कैविटी में रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसमें ट्रांसवर्स रोज और टीथ होते हैं दांतों के, ओके। फिर एक्वेटिक फॉर्म्स में न्यूमरस फेदर जैसे गिल्स होते हैं, फेदर लाइक गिल्स को टिनिडिया कहते हैं, ओके। फिर गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी,
और टेरेस्ट्रियल फॉर्म के पास लंग्स होते हैं। तो जो लैंड पे रहते हैं उनके पास लंग्स, और जो पानी में रहते हैं उनके पास होता है गिल्स, फेदरी गिल्स, जिसको टिनिडिया कहते हैं, सी साइलेंट बच्चों, सी साइलेंट। चलो, तो सर्वे सिस्टम ओपन टाइप होता है। सेपिया ये एक्सेप्शनल है, सेपिया के पास क्लोज सिस्टम होता है। ओके, फिर ब्लड में ज्यादा करके के इसका जो ब्लड है ब्लू कलर का होता है, बिकॉज हीमोसाइनिन विच इज द ऑक्सीजन कैरियर। तो ऑस्पर्म के पास हीमोग्लोबिन होता है, इसके पास ऑक्सीजन होता है। इसके लिए जैसे ऑक्टोपस होगा, इसका अगर बॉडी आप कट करोगे तो ब्लूइश फ्लूइड निकलेगा, वो ब्लूइश फ्लूइड उसका ब्लड होता है। देखो हीमोग्लोबिन के पास आपको मालूम है आयन आता है, यहाँ पे कॉपर, ओके, साइनिन कलर मतलब ब्लूइश, यू कैन सी व्हाट कलर आता है। देन दे गॉट ऑर्गन ऑफ बुजानस, ओके, जो किडनी का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है बुजानस। इसके लिए क्योंकि बुजानस नाम के साइन, जैसे अगर आप कोई चीज़ रिसर्च करोगे नहीं करोगे तो अगर वो फेमस हो गया तो आपके नाम के साथ उसका कहीं से टैग हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका व्हाट, सेपिया, दिस इज सेपिया। ओके, उसके बाद क्लोज सिस्टम है। तीन हार्ट होते हैं, एक तो सिस्टमिक हार्ट जो ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाता है, और दो गिल वाले हार्ट होते हैं, गिल्स तक पहुंचाता है आपके। और तीन हार्ट होते हैं, देयर आर थ्री हार्ट, एक सिस्टमिक हार्ट और दो ब्रैंकियल। देखो ब्रैंकियल मतलब टू गिल्स, वो गिल्स तक ब्लड को पहुंचाता है। ओके, और ये आपका व्हाट, आपका ऑर्गन ऑफ बुजानस। ओके, तो दिस इज द ऑर्गन ऑफ बुजानस, ये। ओके, चलो, नर्वस सिस्टम में तीन पेयर्स ऑफ गैंग्लियंस होते हैं, और गैंग्लियर को इंटरकनेक्ट करने के लिए कमिश्नर्स ऑफ कनेक्टिव्स होते हैं। तो सेंस ऑर्गन भी बहुत सारे, आईज हैं हमारी तरह सिंपल आईज, टेंटिकल्स होता है, फिर ऑफ्राइडिया फॉर टेस्टिंग प्यूरिटी ऑफ वाटर। इसके लिए ये एनिमल्स, अगर पानी पोल्यूटेड हो गया तो उस पानी से वो दूसरी जगह पे जाते हैं। ओके, अंसुर, तो इसके लिए पोल्यूटेड वाटर में ये एनिमल्स जनरली आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन या तो इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा, और एनिमल मोस्टली अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट इज व्हाट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल नहीं तो इंटरनल होता है। ओके, और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, पर्ल ऑयस्टर आपको मालूम है, उससे पर्ल्स तैयार होते हैं, बहुत सारे मोलस्क का खाए जाते हैं। ओके, अंस्टोर्ड काइटॉन वगैरह, और शेल्स जो है दे आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड ऑल्सो फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन पर्पस। आप किसी भी सी शोर में जाओगे तो बहुत सारे शेल्स है ना, उससे आपके ऑर्नामेंट्स तैयार होते हैं, ऑर्नामेंटल आर्टिकल्स तैयार होते हैं। ओके, अंस्टोर्ड, एंड सम ऑफ देम आर वेरी कॉस्टली। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो इसके लिए क्योंकि दे आर हैविंग स्पाइनी स्किन एनिमल, और बॉडी एकदम फ्लैट रहता है। ओके, जिमिन रहता है उसमें, स्टार फिश, सी कुकुम्बर, बी केयरफुल। ओके, बहुत सारे वर्ड है, सी एनिमोन याद रखना, सी एनिमोन से कंफ्यूज नहीं होना, सी एनिमोन इज योर आपका सिलेंट्रेटा, इट इज ए सिलेंट्रेटा। बहुत सारे स्टूडेंट सी एनिमोन को इसी ग्रुप में डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे सी सी बहुत है। ओके, सी अर्चिन ये बोल सकते हैं, ये आपका वो एनिमल है जो एक्वाटिक प्लांट को खा जाता है पूरा। ओके, इज ऑल्सो यू कैन सी वेरी प्रेडिशियस। ओके, खा जाता है सी अर्चिन। देन तो देर आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मराइन, सिंगल सिंगल रहने वाले, सेडेंट्री मतलब एट द बेस, सी बेड पे रहते हैं, बैठे बैठे रहते हैं। ओके, और ग्रेगेरियस एंड बेंथिंग मतलब सी बॉटम, सी बॉटम में रहते हैं। ओके, रेडियल सिमेट्री विथ पेंटामेरिस, यानी कि ज्यादा करके एनिमल में देखोगे तो बॉडी कैसा है, इट इज लाइक ए डिस्क, बॉडी इज बेसिकली डिस्क, नीचे माउथ, ऊपर होता है एनस, और छोटा सा डाइजेस्टिव ट्यूब होता है, और आपके बॉडी में से निकलते हैं पांच डायरेक्शन में आर्म्स। इसके लिए स्टार फिश, तो पांच आर्म्स तो निकलते हैं, उसके से बॉडी को मैं पांच किसी तरीके से काट सकता हूं। ओके, इसके लिए पेंटामेरिस, फाइव प्लेन्स में आप इसको काट सकते हो। ओके, तो बॉडी या तो स्पेरिकल होता है, इलोंगेट होगा, नहीं तो स्टार शेप रहेगा। ओके, बेसिक बॉडी इज लाइक ए डिस्क, बेसिक बॉडी इज लाइक ए डिस्क। तो एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, जो कैलकेरियस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मतलब छोटे छोटे एकेंसी आपके कैल्शियम के यूनिट्स बनते हैं, जिससे एक फ्रेम जैसा बन जाता है, जिससे एक फ्रेम जैसा बन जाता है। ओके, इसका उसको ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मतलब छोटे छोटे यूनिट्स। ओके, हार्ट,
तो स्पाइन्स होने की वजह से, बॉडी सरफेस में स्पाइन होने की वजह से इनका नाम पड़ गया इकाइनोडर्मेटा। ओके चलिए अब देखो ये है आपका सारे टाइप्स, ये आपका स्टारफिश, दिस इज स्टारफिश, ये एक्चुअल बॉडी सरफेस में, आपको सरफेस पे आपको क्या दिख रहा है, स्पाइन्स दिख रहे हैं। ओके अगर स्टारफिश के ये आर्म को ऊपर से के ऊपर स्पाइन्स होते हैं और नीचे होते हैं आपके नोजल्स, इन नोजल्स को हम लोग कहते हैं ट्यूब फीट, को ट्यूब फीट, इसी से पानी बाहर निकलता है और उसके प्रेशर उसके डायरेक्शन से हम लोग एनिमल क्या करता है, अपने आप को मूव करता है। ओके और ये है ब्रिटल स्टार, और ब्रिटल स्टार इसके लिए कहते हैं क्योंकि अगर जरा सा भी एजेंसी अपने आर्म को टच किया तो ये पार्ट ब्रेक हो जाता है, आसानी से आपका ये पार्ट ब्रेक होता है, लेकिन इनमें एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है रीजनरेशन की। ओके तो ये है आपका सी लिली, दिस इज सी लिली, सी लिली है ये। ओके चलिए बहुत सारे पॉइंट्स, तो बॉडी इज विदाउट डेफिनेट बॉडी डिविजन, इंस्टेड बॉडी में दो साइड होते हैं, अब लोअर साइड वेंट्रल और अपर साइड ए बोरल, एब ओरल मतलब अबो ओरल डॉर्सल साइड, जो हमें पहले बताया बॉडी लाइक ए डिस्क, बेसिक लाइक ए डिस्क, नीचे आपका माउथ ऊपर एनस, अंदर की तरह वो डाइजेस्टिव ट्यूब के साथ जुड़ा होता है, ये बेसिक बॉडी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि बॉडी के अंदर पाइपलाइन सिस्टम होता है। ओके अंडरस्टूड, और ये पानी जो है एक स्पेशल ओपनिंग से अंदर जाता है उसको कहते हैं मैड्रिपोराइट। ओके तो इसी सिस्टम से देखो लोकोमोशन भी होता है, फूड को भी कैप्चर किया जाता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ओके तो ये सारे काम इसी सिस्टम से होता है, इसके लिए एक्सक्रीट सिस्टम की जरूरत नहीं है, रेस्पिरेट सिस्टम की जरूरत नहीं है। ओके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है लेकिन शॉर्ट है, शॉर्ट होता है लेकिन कंप्लीट होता है। फिर आपका माउथ इज वेंट्रली प्रेजेंट, ओरल सरफेस और एनस अपर सरफेस में होता है, इसके लिए नीचे से वो फूड को कैप्चर करता है और फिर ऊपर से वेस्ट को निकाल देगा। ओके तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम दे आर एब्सेंट एज अभी बताया। ओके चलो नोट्स ले सकते हो। ओके तो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी आप यू कैन सी नोट्स ले सकते हो बच्चों। ओके स्क्रीनशॉट चलिए तो ये देखिए, ये इसी में देखो स्टार फिश का दिख रहा है माउथ, ये एक्चुअल बॉडी है, ये है माउथ, ये आपका व्हाट एनस है, तो ये आपका आपका शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ओके अंडरस्टूड, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो फूड में अपने केमिकल्स को डाल देते हैं। व्हाट इज दिस, ये जो आपको दिख रहा है ये सर्कल जैसा, ये पूरा ऐसा सर्कल रहेगा, ये पाइप सिस्टम है, और ये पाइप सिस्टम जो है ये आर्म्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और आर्म में जाने के बाद देखो एक नोजल जैसा स्ट्रक्चर इधर होता है जो बाहर की तरफ आके ट्यूब फीट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके तो उसका ओपनिंग क्या है, यहाँ पे अपर साइड में नीचे देयर इज अ ओपनिंग, इसी को मैड्रिपोराइट कहते हैं, मैड्रिपोराइट, इसी से पानी अंदर सक होता है, ये पानी फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी के हर पार्ट में और फिर वो बाहर निकल जाता है पानी थ्रू द ट्यूब फिट, और बाय चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द वाटर विच इज कमिंग आउट द एनिमल कैन नॉट ओनली मूव, इट कैन ऑल्सो कैप्चर द फूड। ओके सब काम इसी सिस्टम की बेस होता है। ओके एंड दिस इज द पिकुलैरिटी ऑफ दिस एनिमल। ओके देखिए नोट्स है, द स्टारफिश वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्रिएट करता है वाटर प्रेशर जो एनिमल के ट्यूब फिट को, फाइनली वो ट्यूब फिट को कंट्रोल करता है। ओके और जो ट्यूब फिट से जो भी पानी बाहर निकलता है उसके रिलेटिव प्रेशर की वजह से एनिमल विल मूव। ओके तो मैड्रिपोराइट से एक्चुअली व्हाट, मैड्रिपोराइट से एक्चुअली पानी अंदर जाता है और फिर वो कैनाल सिस्टम के जरिए, रेडियल कैनाल सिस्टम के जरिए ट्यूब फिट से निकल जाता है। ओके और कुछ पानी एक्सेस पानी जो है वो मेट्रोपोराइट से भी बाहर निकल जाता है एक्सेस पानी। ओके तो इस तरह वाटर जो फ्लो होता है बॉडी के अंदर उसी के थ्रू अल्टीमेटली बॉडी के सारे सिस्टम काम करते हैं, क्योंकि एक्सक्रीट सिस्टम जो वेस्ट है वो भी इसी सिस्टम के जरिए क्या है बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके तो यहाँ पे गोनाइड यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके चलिए तो नर्वस सिस्टम इज सिंपल, उसमें नर्व रिंग होता है माउथ के अराउंड और रेडियल नर्व्स, अभी एक पिक्चर आपको दिखेगा। ओके तो ये है आपका रेस्पिरेटरी ट्री। ओके इसके थ्रू वो ब्रीदिंग करता है। ओके और ये रेडियल नर्व्स है, तो सेंटर में माउथ जो है माउथ के आसपास ही ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर है और हर आर्म के लिए नर्व यू कैन सी फाइबर्स निकल रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट इज हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा क्यों, क्योंकि दिस एनिमल शोज पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट कॉर्डेट, जैसे वाला गिल स्लिट्स रहते हैं,
तो हाफ कॉर्डेट, तो दिस फाइलम इज कंसिडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। पहले वो कॉर्डेटा के अंदर माना जाता था, क्योंकि बक्कल डाइवर्टिकुलम वॉज कंसिडर्ड एज नोटोकॉर्ड, ओके, बट नाउ इट इज प्लेस्ड अंडर फाइलम नॉन कॉर्डेटा। अभी इसमें आपका थोड़ा सा लेवल रॉन्ग है। तो बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट। पहला है प्रोबोसिस, जो टंग है, इसी टंग से वो फूड को कैप्चर करता है। बीच वाला पार्ट ये है, ये कॉलर है बच्चों, दिस इज कॉलर। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो है आपका ट्रंक। और ट्रंक में आपको ये क्या दिख रहा है, एक्चुअली ये जो लेवल है ये कॉलर नहीं है, ये है गिल स्लिट्स। क्या है? गिल स्लिट्स, न्यूमरस गिल स्लिट्स आर सीन, ओके। तो मेक द करेक्शन, देन दे आर ऑल एक्सक्लूसिव मराइन एनिमल और सी के बेड में बरोज में, तो यू शेप बरोज बना के वो उसमें रहते हैं, ओके। तो कुछ फ्री लिविंग है, रैप्डोप्लूरल जो है वो फिक्स रहता है, रिमेंस फिक्स। देखो सेडेंट्री का मतलब सी बेड पे रहना, ज्यादा मूव नहीं करना, ऐसे एनिमल को सेडेंट्री कहते हैं, एक ही जगह पे बैठे बैठे रहना, ओके, अंडरस्टूड। तो बॉडी सॉफ्ट है, वर्मी फॉर्म मतलब वर्म जैसा, वर्म लाइक, बॉडी में सेगमेंटेड नहीं रहते हैं, मतलब मेटामेरिक सेगमेंट नहीं रहता है, लेकिन सेगमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेड, नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेड, लेकिन सेगमेंट्स दिखेंगे आपको, ओके, पहला एनिमल। अब इसके बाद में जिसमें सेगमेंट्स रहते, इसमें बॉडी के तीन पार्ट्स है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड वॉट, ट्रंक। तो बक्कल कैविटी जो है, माउथ कैविटी, वो एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जो बक्कल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको पहले नोटोकॉर्ड समझा गया था, इसलिए इसको हेमी कॉर्डेटा कहते हैं, ओके, या पहले वो कॉर्डेटा के अंदर माना जाता था, ओके। और नोटोकॉर्ड क्या है, अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं। नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड है जो वैक्यूलेटेड सेल्स का बनता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डॉर्सल साइड में तैयार होता है एज ए मेन एक्सिस, तो बॉडी का मेन एक्सिस तैयार करता है, और बाद में वही आधार बनता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, ओके, बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स है उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, लिम्स कहाँ से डेवलप होंगे उसको डिवाइड करता है, और कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड की जगह बाद में फिर वर्टिबल कॉलम्स ले लेता है, ओके, अंडरस्टूड। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं जब नोटोकॉर्ड में पढ़ेंगे हम लोग, और यही नोटोकॉर्ड बाद में बॉडी के मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। चलिए यहां पे भी देखिए लेबल्स, ये है आपका गिल्स स्लिट्स, ये आपका कॉलर, और रिमेनिंग पार्ट जो है आपका ट्रंक है, ओके। देखो ये सैको ग्लासेस, ये ब्लैंड ग्लासेस, और जो फिक्स रहते हैं ये देखो फिक्स्ड है, तो सॉइल के अंदर अपने आप को हमेशा परमानेंटली अटैच करते हैं, उसको रैप्डोप्लूरा कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, स्ट्रेट है, नहीं तो यू शेप, पता है ये डिपेंड करता है उनका बॉडी कंटिन्यूसली, वो यू शेप जो आपका, अभी यू शेप की भी जरूरत क्या है, तो ये एनिमल देखो पानी के अंदर रहता है सी बेड में, तो यू शेप टनल में वो ऐसा रहता है, और ये उसका घर है, ये नीचे उसका घर रहता है, तो अगर आप किसी भी सी बीच में अगर जाओगे, तो अगर आप वहां पे सी बीच में बहुत सारे आपको होल दिख रहे हैं, तो एक होल से अगर आप तार डालोगे, रस्सी डालोगे, तो वो किसी दूसरे होल से निकल जाएगा, तो ये सरफेस के होल्स है, तो इसी होल में ये एनिमल रहता है। कैसा है, सपोज पानी का फ्लो इस डायरेक्शन से आने वाला है, इस डायरेक्शन से पानी का फ्लो आएगा, तो ये एनिमल जो है किस तरह रहता है, ये प्रोबोसिस, ये उसका प्रोबोसिस, ये उसका कॉलर, और ये रिमेनिंग ट्रंक, ट्रंक का टर्मिनल पार्ट वो होल से, यानी कि पानी का फ्लो अगर ऐसा है तो टेल को वो नेचुरली अपोजिट फ्लो में रखता है, और उसको मूव करता रहता है, कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग दिस। तो कोई भी मछली अगर इधर आ गई, फूड उसका आ गया, ओके, तो इट एक्ट्स एज ए बेट, मतलब चारा, तो मछली को लगता है कि उसका फूड है, तो मछली जैसे उसके रेंज में आ जाती है, प्रोबोसिस उस मछली को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, तो द माउथ जो है पकड़ लेता है उसके, यू कैन सी व्हाट, है ना, जैसे ये अगर मैं ये हाथ मैंने बाहर निकाल के रखा, ये एक होल है, और ये दूसरे होल से मैंने अपने हाथ को बाहर निकाल के रखा है ऐसा, अंडरस्टूड। तो ये मैंने अपने मुंह को छुपा के रखा है, तो यहाँ पे मैं अपने हाथ को, एक हाथ को हिलाता रहूंगा ललचाने के लिए फूड को, और जैसे ही फूड इधर आ गया उसको मैं कैप्चर कर लूंगा, ओके। तो दिस इज द वे द एनिमल ऑब्टेन द फूड। तो एक्सक्रीशन के लिए नेचुरली होता है ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द आपका प्रोबोसिस ग्लैंड्स, प्रोबोसिस ग्लैंड्स रहते हैं, ओके, जिससे वो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है। फिर नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल और अपर साइड में अटैच होता है, बॉडी वॉल के साथ ही अटैच रहता है, ओके। देन सेक्सेस अलग अलग है,
कुछ केस में बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट फिर से देखो बार बार, इनडायरेक्ट मतलब जब लार्वा स्टेजेस बनते हैं जो फ्री स्विमिंग होता है। देन दिस फाइलम इज देयरफॉर कॉल्ड ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड व्हाट नॉन कॉर्डेट। ओके, तो हेमिकॉर्डेटा में एक फीचर है, कौन सा फीचर है आपका, गिल स्लिट्स है और साथ में बक्कल डाइवर्टिकुलम जो नोटोकॉर्ड की तरह माना जाता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम जिसको आपका स्टोमो कॉर्ड भी कहते हैं। देखो स्टोमा का मतलब माउथ होता है, तो माउथ में नेचुरली एक स्पेशल रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसलिए उसको इंटरमीडिएट लिंक कहते हैं। ओके, या कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, कनेक्टिंग लिंक मतलब एक ऐसा एनिमल बॉडी, ऐसा फॉर्म जिसमें दो अलग अलग मेन ग्रुप्स के पार्शियल फीचर होने चाहिए। जैसे मेटल और नॉन मेटल वाले फीचर वाले एलिमेंट्स को हम लोग मेटलॉइड कहते हैं, तो ये वैसे ही कनेक्टिंग लिंक। तो मेटलॉइड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मेटल्स एंड व्हाट नॉन मेटल्स। देखो दिस इज द डायग्राम जो आप देख सकते हो, तो ये प्रोबोसिस दिखाया है, प्रोबोसिस का पार्ट। ओके, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये हार्ट है। ओके, फिर आपका ये देखो ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड और यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ना, तो दो कॉर्ड एक डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में क्या है, सॉरी डेलो होता है। ओके, सो दिस इज द कॉलर पार्ट। ओके, और ये आपके गिल स्लिट्स है, ये गिल स्लिट्स होना है ना, फिर आपका कॉलर नर्व कॉर्ड में जो डॉर्सल साइड में होना। ओके, ये आपका इंडिकेट है कि ये अभी कॉर्डेट ग्रुप में डेवलप होने वाला है। It's you, ha. India's online learning hub. Download the app now.